चलो, गुड आफ्टरनून। और हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, स्टोन एज, है ना। और हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम पढ़े होंगे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़े होंगे, यही नहीं पढ़े होंगे, बाकी चीज़ आपने पढ़ा होगा। ये जनरली अच्छे से दिया भी नहीं है किसी बुक में, हल्का हल्का बिल्कुल टच किया हुआ है। हम भी कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे माइक्रोलिथिक फेज किसे कहते हैं, चालकोलिथिक किसे कहते हैं, नियोलिथिक क्या है, और किस फेज में हमने कपड़े का खोज किया था, किस में हमने पहली बार ग्रुप बनाया, किस में हमने गांव में रहना शुरू किया, ऐसे ढेर सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन। एसएससी यूएससी लेवल पे थोड़ा सा आसान है, लेकिन सीडीएस ओडीएस के लेवल पे यहाँ से ठीक ठाक क्वालिटी का क्वेश्चन आता है। इतिहास का लगभग 90% हिस्सा, यदि आप चाहो, या 99, तो कह लो स्टोन एज में ही रहे हो, मतलब मैक्सिमम हिस्सा। यहाँ पर एक पॉइंट सीख सकते हैं कि हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। किसमें किसमें किसमें? एशियन, एंशियन, मिडिवल, मॉडर्न? नहीं, स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये तो स्टोन एज का पार्ट है। जैसे हिस्ट्री को हम सीखते कैसे हैं, तो हिस्ट्री को हम सीखते हैं या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स या तो लिटरेरी सोर्स, यही दो माध्यम है कि कहीं लिखा हुआ मिल जाए या कहीं बिल्डिंग का सबूत मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, तो हमें आधार लग जाता है कि हाँ जी ऐसे हैं। तो कुछ चीजें हैं जहां पर हमें लिटरेचर भी मिले हैं और आर्कियोलॉजी भी मिली है। जैसे हम कह सकते हैं हड़प, सॉरी, मौर्य पीरियड, हमारे पास साहित्य भी मिल गया और उनकी बिल्डिंगों का साक्ष्य भी मिल गया। मुगल पीरियड, सल्तनत पीरियड, नहीं, कुछ स्टेज ऐसे हैं जहां पे लिटरेचर लिखे ही नहीं गए, आर्कियोलॉजिकल बेस पर रहे सिर्फ, पुरातत्व तो बोलते हैं। थोड़ा सा आपको पता हो ना पता हो, क्या ऋग्वैदिक काल में वेद लिखे गए थे? तो जवाब है नहीं, बाद में लिखे गए। अभी सीखेंगे क्या मतलब इस बात। और कुछ ऐसे हैं जहां पर लिटरेचर हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे मौर्य पीरियड में लिटरेचर है लेकिन क्या हम उसको पढ़ पाए हैं? नहीं पढ़ पाए। तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि जिसका पूरा का पूरा इतिहास लिटरेचर है ही नहीं, और जिसका पूरा का पूरा इतिहास किससे लिखा गया हो? आर्कियोलॉजी से। कहाँ पढ़ पाई? लैंग, सॉरी, हम मौर्य बोल रहे थे, मैं हड़प्पा बोलना चाह रहा था। हड़प्पा का साहित्य अब तक नहीं पढ़ पाए, मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। पिक्टोग्राफिक हमने बोल दिया है, भावचित्रात्मक बोलते हैं हिंदी में। अशोक वाले का इसमें आएगा। पालियोलिथिक, हिस्टोरिक, मेजोलिथिक, न्योलिथिक, पालियोलिथिक। ये हमें बेसिकली एग्जैक्टली चाहिए था। कौन सा दिख रहा है इसमें? तो इसमें सारा का सारा हमें स्टोन एज वाला दिख रहा है। एक चीज मुझे कुछ चाहिए, वो शायद है नहीं यहाँ, नहीं हो तो मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा। हाँ, ये चाहिए था मुझे। पूरा इतिहास प्री हिस्टोरिक, जो बिल्कुल अर्ली एज है, जहां पर लिटरेचर लिखे ही नहीं गए, जो भी सोर्स मिला किससे मिला? आर्कियोलॉजी से। प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास, और थर्ड इज हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। तो एक पॉइंट नहीं पता हो तो लिखो। तो हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 स्टेजेस, इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। पूरा इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, पूरा इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास और हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री कंप्लीटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर आर अब्सेंट, पूर्ण रूप से पुरातत्व पर आधारित है।
साहित्य का अभाव है, साहित्य बना ही नहीं। एग्जाम्पल लिखना है इसका। स्टोन एज, पाषाण काल, स्टोन एज पाषाण काल एंड तथा वैदिक एज। 90% टीचर बुक यहाँ पे गलत कर देते हैं, वैदिक को इधर रखते हैं, जबकि वहां पे साहित्य बन ही नहीं पाए। वैदिक काल में मैं बताऊंगा जो भी चल रहा था श्रुत मेथड से चल रहा था, एक जनरेशन से दो जनरेशन, जिसने चारों वेद रट लेते थे उनको चतुर्वेदी कहते थे, जिनको तीन वेद की जानकारी थी त्रिवेदी, जिनको दो वेद की जानकारी थी द्विवेदी, जिनको एक की जानकारी थी वैदिक, है ना। और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलते रहे, बाद में लिखे गए, तो लिटरेचर थे ही नहीं वहां पर। हम बताएंगे ईश्वरीय वाक्य हैं, ईश्वर ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे, बाद में आकर हमने उनको समाहित किया। तो एक इसमें आएंगे प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि ये भी कंप्लीटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजी, बट लिटरेचर आर अवेलेबल, साहित्य उपलब्ध है, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाए, हमें उनको अभी पढ़ने में हम सक्षम नहीं हो पाए। तो लिख लोगे प्रोटो हिस्ट्री, इसका एक टेबल बनाया था मैंने, आदित्य ये है एग्जैक्टली, और भी होगा एक नहीं, आदित्यास में है रिकॉर्ड लेकिन उनका हम यूज नहीं कर पाए। तो इसमें एक ही आएगा, कौन सा साथियों? हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा काल। राखी मेरे बच्चे आप कॉल पे पूछना है, यहां पे भी मत पूछो, कॉल पे बात करेंगे आपसे। तो ये हो गया हिस्टोरिक प्रोटो हिस्ट्री, सॉरी हड़प्पा ओरिजिन हुआ, खत्म हो गया। हाँ उसमें है, उसमें नहीं, वैदिक में नहीं। हो सकता है कि हमारे बाद एक और जनरेशन आए। आपको बेसिक से करना है दोस्त, बेसिक से करना है, तो बेसिक वाली उधर क्लास चल रही है, ये रिवीजन क्लास है। हाँ बेसिक वाली उधर चल रही है। ये जनरेशन मान लो हमारी चल रही है और ये खत्म हो जाए, तो दूसरी जो जनरेशन है जीरो से शुरू करेगी ना। वैदिक पूरा का पूरा विलेज कल्चर रहा, हड़प्पा तो अर्बनाइज कल्चर है। हम अभी जो जिस फेज में है, ये दिस इज नोन एज सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टेज, द्वितीय नगरीकरण का काल चल रहा है। फर्स्ट नगरीकरण हड़प्पा है और ये द्वितीय नगरीकरण बुद्ध के टाइम से शुरू हुआ है, वो अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है, कभी भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कोरोना यदि अच्छे से काम किया होता तो हम सारे खत्म हो जाते। तो ये कर लेंगे, ये टिपिकल क्वेश्चन था। अब इसको यदि मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एक टेबल बना सकते हैं हम समझने के लिए, ताकि सर ये कहना क्या चाह रहे हो वो क्लियर हो जाए। तो ये हमने कहा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक, लिटरेचर, आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी तीनों जगह पे है और तीनों जगह यूज है। इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, अवेलेबिलिटी और यूज। तो अवेलेबल तो हर जगह है, सॉरी प्री हिस्ट्री में तो अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो यूज नहीं होगा। प्रोटो हिस्ट्री में अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए। हिस्टोरिक में है और यूज भी है, ये है पूरी कहानी का निष्कर्ष, और इतिहास इन्हीं के आधार पर लिखा जाता है। चले तो एग्जाम में पहचान लेंगे प्रोटो हिस्ट्री में कौन आएगा, प्री हिस्ट्री में कौन आएगा, बाकी सारा का सारा जो भी हम कुछ पढ़ते हैं कहां पर, हिस्टोरिक में, ऐतिहासिक में। एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा हमें जो पढ़ना है स्टोन एज। तो स्टोन एज में देखो अधिकांश समय हमने अपने जीवन काल के कहां लगा दिए, पशु से मानव बनने की प्रक्रिया में, जानवर से खड़े होने की प्रक्रिया में हमने काफी लंबा टाइम व्यतीत किया है, 120 लाख, समझ रहे हो कितना। फिर भी हमने स्टोन एज तक भी आते आते हमने काफी टाइम लगाए, उसके बाद हमारा दिमाग फिर काम करना शुरू किया और हम काफी तेजी से आगे बढ़ते चले गए। तो अब हमें जो जानने की जरूरत है, किस, ऐसे लिख लो स्टोन एज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, और एक टेबल बना लेना ताकि कंपेयर करके करोगे तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, प्री में क्या हुआ, मिडिल में क्या होगा, नियो में क्या होगा,
यहाँ आ जाओ, देखो ये इस एक चार्ट से कवर हो जाएगा आपका। ये मजा है ऑनलाइन एजुकेशन का, सब कुछ आप एक समय में एक बार में सिखा सकते हैं। पहला पालियोलिथिक, हिंदी में कहेंगे पूरा पाषाण काल, स्टोन एज को, पाषाण काल को हम तीन हिस्सों में बांट रहे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक। चाहो तो टाइम पीरियड लिख लो, पूछेगा नहीं, लेकिन इसे आइडिया लग जाएगा कितना टाइम लगा। नियोलिथिक, नवपाषाण। इसको हम कह रहे हैं ओल्ड स्टोन एज। अब मानव और पशु एक साथ जा रहे थे और अचानक पशु ने हमला किया और मानव ने जाने अनजाने में एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया गलती से, पशु डर के भाग गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। और इस पूरी प्रक्रिया में कई लाख लग गए, कई लाख साल, और हमने पहली बार स्टोन का यूज करना शुरू किया। लेकिन ये स्टोन अभी सेव्ड नहीं है, उठाया और कभी कभी उठाया, उठा ही नहीं पाया, पशु मार गया, ऐसी भी दिक्कत रही। तो यूज ऑफ स्टोन्स, पहली बार पत्थरों का उपयोग किया गया। और ये इनका पूरा स्टोन है, इसका टाइम मेन व्यवसाय क्या रहेगा, हंटिंग ही रहेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है। वैसे भी एक लॉजिक सिखा देता हूं, किसी भी पीरियड में पूछा जाए मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है पूरे इतिहास में, आज तक भी भारत का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। देश के 56% आबादी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सिर्फ दो पीरियड है जब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं है, एक तो स्टोन एज, स्टोन एज में क्या है, हंटिंग, शिकार, और एक है वैदिक पेज एज, वैदिक एज में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इनके अलावा चाहे मैं मौर्य पूछूं, मुगल पूछूं, हड़प्पा पूछूं, कई बार लगेगा हड़प्पन सभ्यता तो अर्बनाइज थी तो वहां तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, नहीं, वहां भी एग्रीकल्चर ही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हंटिंग का यूज कर रहे हैं, है ना। चलो, इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी चीजें आप सहमत मत होइएगा, जैसे इन्होंने कह दिया कि आग लगाना सीख लिए तो नहीं। फिर धीरे 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 साथियों ये थोड़े से समझदार होने लगे, अब पत्थरों को ये शेप देना शुरू कर दिए। तो मीजोलिथिक को हम माइक्रोलिथिक भी कहते हैं, ये आता है बार बार क्वेश्चन, तो लिख लोगे सूक्ष्म पाषाण काल माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म पाषाण काल, छोटे पत्थरों का उपयोग, यूज ऑफ माइक्रो टूल्स। और ये किस लिए, अब हमें क्या करना था, प्रॉपर शिकार करना था, तो हमने पत्थरों को लगा लड़ाना शुरू किया और अचानक क्या हुआ कि चिंगारी लगी और आग लग गया और हम भाग गए। फिर जब आग बुझ गया तो हम आए तो कुछ जले हुए पशु उसे मिल गए, हम खाए तो हमें टेस्टी लगा, हम समझ नहीं पाए हुआ क्या, लेकिन हाँ हमें मजा आया इस बार खाने में, टेस्ट लगा। तो पहले दो क्वेश्चन है, आग की खोज कब हुई, तो हुई है मिडिल एज में, लेकिन यूज कब हुआ है, नियोलिथिक में। यहां हम समझ नहीं पाए, ध्यान रखना, कुछ बुकों में लिख दिया कि नहीं यहां पर है यूज, नहीं, तो लिख लेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। यही वो एज है जब आइस एज खत्म हो रहा है, मतलब अब थोड़ा थोड़ा हमारे लिए जीवन इजी होता चला रहा है। तो दो बातें यहां पे हमें जानना है, एक तो हमने छोटे पत्थरों का उपयोग कर लिया और डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज कर ली। अभी हमने कपड़े उपड़े नहीं पहने यहां तक, अभी हमें इसकी समझ नहीं, और धीरे धीरे अब हम एक दूसरे को देख के, मतलब नहीं अचानक विदेश गए और कोई इंडियन दिख जाता है तो सुकून सा मिलता है, जैसे बिहार और का बच्चा आता है, कई बिहार का बच्चा मिल जाता था, अच्छा वहीं के हो, अपने वाले लोगों का तो ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही मानव ने एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी उतना नहीं, फैमिली का कल्चर तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे अब ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। नियोलिथिक इज द रिवोल्यूशनरी फेज, हमारा सबसे क्रांतिकारी, मानव के अब तक की सबसे बड़ी खोज क्या मानी जाती है, आग की खोज नहीं और पहिए की खोज, जिसने हमारे लाइफ को बदल दिया, स्पीड उसी से तो आया, तो वो यहीं पे हो रहा है। तो नियोलिथिक पहला लिखो, यूज ऑफ फायर, आग का उपयोग,
आग का उपयोग स्टे इन वन प्लेस, एक जगह पर निवास करना शुरू कर दिए। हालांकि इसके बाद इन्होंने एक आएगा चालकोलिथिक भी आएगा, है ना, तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि यहां पर हमने यूज कर लिया है। मान लो चालकोलिथिक ऑप्शन में ना हो तब तो नियोलिथिक होगा, धातु का उपयोग, मेटल का उपयोग पहली बार कब हुआ। और तांबे की खोज क्यों हुई पाई, सब ज्यादा फ्री अवस्था में मेटल में वही अवेलेबल होता है ना, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने तांबे की खोज कर ली है। और यूनाइट हो गए, हाँ, यूज ऑफ क्लॉथ, कपड़े का उपयोग कर लिया इन्होंने। देखो अब धीरे धीरे उन्होंने डिजाइन बनाना भी शुरू कर दिया है नियोलिथिक। अब जैसे अगर टिपिकल करूं, जैसे अभी आएगा एमसीक्यू में सब क्वेश्चन कि पहली बार नियोलिथिक वर्ड किसने यूज किया है, तो मन कर तो लिख लो। हालांकि एसएससी के अभी औकात नहीं इस तरह क्वेश्चन पूछने का। जॉन लुबाक ने यूज किया है, टीसीएस की है, टीसीएस पूछ सकते हैं। और वैसे भी जब पढ़ो तो 100% कि आएगा तो मैं करूंगा, ये नहीं सोचना नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है नियोलिथिक। किसने यूज किया साथियों? जॉन लुबाक, लिख दिए इसको। और डिस्कवरी किसने किया था इसका? ली मश्यूरिये ने, ये भी आता है, ये तो आ चुका है नियोलिथिक, ये इसका खोज इन 1860, मतलब जो उस एज का इक्विपमेंट, पत्थर ढूंढ दिए और कार्बन डेटिंग से कहा कि ये तो नियोलिथिक में रखना होगा, बाकी से अलग है, तो ली मश्यूरिये के द्वारा ढूंढा गया। मतलब उस जगह की खोज कर दी थी, मध्य पाषाण काल में छोटे पशुओं का। हाँ, मानव ने क्या किया, कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, तो पशुपालन भी वहीं नियोलिथिक में ही जाएगा। हो क्या रहा है कि मानव शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो एक जानवर उनके साथ दौड़ रहा है, हाँ, जरूरत पड़ा तो इनकी रक्षा भी कर रहा है, तो इनको लगे ये तो बहुत बढ़िया जानवर है। सोचो जंगली कुत्ता कितना खतरनाक होता है ना, तो अब वो इनके फेवर के लिए कर रहे हैं, तो पहला पालतू तो पशु इन्होंने इसी को बनाया। वो तो आएगा बुरझोम में है, वो आएगा, वो उसमें आएगा, वो हड़प्पा वाले में आएगा, बुरझोम जम्मू कश्मीर में है वो, मतलब स्टोन एज वाले में तो बुरझोम आ जाएगा, वैसे हड़प्पा में लोथल वाला आ जाएगा, दोनों जगह पर मिला। और ये यहाँ पर इसमें इन्होंने बोन्स का यूज किया है, कहीं दिख रहा है, शिकार के लिए। ये है माइक्रोलिथिक, छोटे पत्थर, कुछ चीजें आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगे। मेजोलिथिक, है ना, ये यूपीएससी में जाओगे तो यहां से हम लोग काफी कुछ सिखाएंगे आपको, ब्लेड क्या था, चॉपर क्या थे, हैंडेक्स क्या थे, क्या साइज था, कैसे था। तो अब इतने से हम बात बनाते हैं और एमसीक्यू करके देखते हैं, यहां से हमारी बात बन जानी चाहिए। देखो इतना कुछ है एग्जैक्टली, यदि एग्जैक्ट बात करें तो हंटिंग, फूड गैदरिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, होमोसेपियंस कब आए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो होमोसेपियंस ही है, हम जो किसी एज में, आइस एज खत्म हुआ था, डोमेस्टिक फिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया था। थोड़ा यूपीएससी में जाओगे तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आज ये क्वेश्चन आया मैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे, कभी टाइम होता है तो डिटेल पढ़ाते हैं इसको। हाँ, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, चावल का भूसा तो आपके में भी आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके में, पॉलिश टूल बाद में आकर यूज करना शुरू किया है, हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिश कमिंग, इंड ऑफ रेगुलर एग्रीकल्चर, है ना, कृषि की शुरुआत कर दी उन्होंने, मेहरगढ़ जो है चावल मिला था यहाँ से, मिर्जापुर से राइस की खेती मिल गई थी,
मिर्जापुर को तो लोगों ने बदनाम कर दिया, किसी ने जाके केस भी किया कि मिर्जापुर वालों को पैसा दिया था। ये जो पूछ रहे थे कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य, बुरझूम जम्मू कश्मीर में स्टोनेज में, स्टोनेज का नियोलिथिक का, यदि वैसे नियो लिख लो अच्छा ऑप्शन होगा, चालकोलिथिक होगा, लेकिन नियोलिथिक लिखो क्योंकि तीन ही कैटेगरी में एनसीईआरटी बांट रही है तो हम तीन में लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं पे चाहो तो ये भी लिख ही लेना, ये आता रहता है यार। मेहरगढ़ में वीट, हाँ गेहूं और कॉटन को हिंदी में क्या कह लें, सूती नहीं कपास, यस कपास की। मिर्जापुर में चावल की खेती का साक्ष्य, यहाँ मेहरगढ़ पाकिस्तान, मैं नहीं कब मैं यूपी में, बुरजोम गुपकराल बिहार, चिनान में मिला था हिरन का बॉडी का, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे आगे, बस खत्म करें। अब कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे, है ना, पशुओं को पालना शुरू कर दिया है, गुफाओं का उपयोग यहाँ पे करने लगे हैं थोड़ा बहुत, हाँ आपने हर सब्जेक्ट को ऐसे ही खत्म करना है कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो अब इससे बाहर नहीं जाएगा। चिरांद एक जगह है तो वैसे मैं बता रहा फैक्ट, यहाँ पे हिरन की हड्डी का साक्ष्य मिला था, शिकार के लिए यूज करते थे। एक बार करें इस पर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है। नहीं समझे, हमें तो बस ये है कि मैं ये चैप्टर कर लिया तो अब कहीं से पूछो, मतलब 100% वाले नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए तो कोई फायदा नहीं। कई बार डाउनलोड हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ओल्ड एज स्टोन। अब हमने स्टोन एज को बांटना है ना, तो माइक्रोलिथिक या मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक है ऑप्शन में, नहीं है तो बस कौन सा गया, पालियोलिथिक लिख लो। मतलब आपने ऐसे लिख लेना है फर्स्ट ओल्ड स्टेज बाद पालियोलिथिक, मध्य, वैसे होना चाहिए प्री प्रियोलिथिक बोलते हैं, वैसे पालियोलिथिक भी बोल सकते हैं। चले चालकोलिथिक को और किस नाम से अभी सीखा था हमने, एक मिनट, नियो के बाद तो था वो कॉपर एज, लिख लेंगे चालकोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज, ताम्र पाषाण काल। लिख दिए, चिरांद कहाँ पे था अभी देखो, अभी पढ़ा था आपने, हमने बताया भी था थोड़ा, नहीं बिहार में किस चीज में था, नियोलिथिक में था तो अभी देखा था। ये टफ क्वेश्चन है एसएससी के लिए, हाँ ये बेसिकली सब आए हुए क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, तो हमने डाल दिए। Which of the following is also known as microlithic? Mesolithic.
सूक्ष्म पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को हमने सीखा था अभी। हाँ चलो अभी सोच समझ के बताना है, ये भी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। हड़प्पा के बारे में द सिटी वेयर प्लान, हड़प्पा में प्लान थे, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वेट वेयर यूज, देर आर एलोबरेट वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कौन कौन सा है? तीनों होने चाहिए, ये गलत है। 4:2:1 का ईट हुआ करता था, हर चीज ऑर्गेनाइज था 16 के मल्टीपल में, जो आज तक यूज कर रहे हैं। पढ़ेंगे अभी हमारा पावले, 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन करने की स्थिति में। ये अब तक का सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम आज भी नहीं बना पाए हैं। मोदी जी ने अभी जो ये स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें इसको इंडिकेट किया कि ऐसा बनाना है हमें। 1 और 3, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन बताओ, कृषि क्रांति कब आई? नियोलिथिक में, चले कृषि सबसे बाद में लेके आए। ये नोट करके लिखो, इसको फैक्ट बना करके लिखना है आपको। डिस्कवरी ऑफ पालियोलिथिक, पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आता है। कौन सा ऐसा जगह जहां पालियोलिथिक भी है, मेजोलिथिक भी है, नियोलिथिक भी है? इंडिया का कौन सा जगह जहां तीनों साक्ष्य मिले एक ऐसा मात्र जगह? तो बोलन वैली, बोलन घाटी। अपने अभी दिखाते हैं कहां पर है, यूपी वाला। ये मेरठ के आसपास वाला। अभी हम जब हड़प्पा का विस्तार करेंगे, देखो यहां पे भी हड़प्पा भी मिलेगा। बोलन वैली इज द रिलेटेड विथ पालियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर इन अ सीक्वेंस। अच्छा क्वेश्चन है ये। लिख दिए, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी है क्योंकि धीमे धीमे करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हालांकि मुझे लग मानना है घबराना भी नहीं है, है ना, आराम से भी करेंगे तब भी। वहां मुखर्जी ने हम लोग 8-8 महीने 6-6 महीने लगाते थे फिर भी सिलेबस पूरा नहीं होता था, तो हम तो यहाँ फास्ट ही कर रहे हैं। चलो, इनाम गांव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इनाम गांव इज मतलब स्टोन एज का फेमस जगह, और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनाम गांव यहां से कुछ साक्ष्य मिला होगा, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है। गुफाएं, ये मिजोलिथिक में है। होमो इरेक्टस स्कल, मानव खोपड़ी, हाँ लिख डालो। लेकिन नर्मदा घाटी दो हो गया, हथनौरा इन नर्मदा घाटी। हाँ, हथनौरा तो शायद महाराष्ट्र में ही। हाँ, ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपसे, ये रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ यदि आप पढ़ा हुआ है तो करना ही। ये सारा कुछ कहाँ से है पता है? एनसीईआरटी से, तो इसका मतलब है सिलेबस में वो पूछ सकते हैं। अब देखो ये तो अभी पढ़े थे आप, बताओ कहाँ से मिला था मेहरगढ़, लिख लो।
अच्छा, तो आपने पढ़ाई था कृषि की शुरुआत मेहरगढ़, क्या मिला था यहाँ पर? गेहूँ और कपास। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? भीमबेटका। चले, है आए हुए ना, देख लो। आज मैं देख रहा था, कल हम लोगों ने ओलंपिक नहीं पढ़ा था, तो उसमें पूछा था कि जो मोटो लाइन है वो किसने दिया है। हाँ, तो अभी कल मैं पेपर करा था CHSL का किसी रात वाले शिफ्ट में, और एक और था कल जो हमने पढ़ा था, G20 से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल बातें थी। हाँ, इस बार भारत ने किसी इसका OCS एक था, अरे शंघाई वाला, शंघाई कॉरपोरेशन वाला। हाँ, भारत इस बार अध्यक्ष रहा, तो पूछा भारत ने विजिट की वो किया था मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से, तो बोला कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया, तो तीन का दिया था और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो थोड़ा बहुत पढ़े तभी लॉजिक लगा लेंगे, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो सारे लेंगे ही लेंगे। चलो, ये जो पूछ रहा था, ये मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, बुढ़झूम। हम क्वेश्चन मेरे बच्चों वही देते हैं आपके सामने, ये जो किसी ना किसी एग्जाम में आए, तो इसको ये नहीं सोचना है कि फालतू है, आएगा जरूर, अभी आ जाए 2 साल बाद आ जाए। अब ये समझो इसका मतलब क्या है। दक्षिण भारत में जितने मिले हैं दफनाने के साक्ष्य, वो क्या करते थे, बड़े पत्थर लगाते थे, जैसे मान लो दफन कर दिए और जो गेट है उस पर बड़ा पत्थर लगा देते थे, उनको हम एस टीला कह लो या लार्ज स्टोन कह लो। दक्षिण भारत की विशेषता रही है दफनाने की, तो ऑप्शन में है दक्षिण भारत, यस स्टोन एज, साउथ इंडिया। एस टीला कह लो, एस माउंट्स कह लो, या लार्ज स्टोन कह लो दफनाने के लिए, साउथ इंडिया। अब ये मतलब अपने आप में टफ क्वेश्चन है, लेकिन लिख लो, बेलन बेली, बेलन घाटी, जहां पे तीनों मिले, बेलन घाटी। हु ऑफ द फॉलोइंग कल्चर वेयर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोएट्री? अब सोच के देखो, अभी लास्ट में था, सबसे पहले पोएट्री को पेंट करने का साक्ष्य कहाँ पर? नहीं, लास्ट में, नियो के बाद चालको भी है, चालको गुफा, गुफा, और ये टूल्स की बात चल रही है। हाँ, गुफा मिडिल में चली गई, टूल्स को पेंटिंग करना, मैंने एक फोटो नहीं दिखाया था, मैंने कहा कि डिजाइन भी शुरू कर दिए थे लास्ट वाले में, टेबल में भी देखोगे, अभी दिखाऊंगा, मैंने बात किया होता तो दिखाता। मैंने कहा था कि जब दोनों हो तब तो चालको में जाना है, या ज्यादा लेट का है, क्योंकि इन्होंने पहले नाम कैसे रखते हैं, जैसे अभी जो एज है, तो फैक्ट्स के हिसाब से हम आयरन एज में चल रहे हैं, सब कुछ काम आयरन के बेस पर, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अब हम एग्जैक्टली प्लास्टिक एज में चल रहे हैं, हर चीज तो प्लास्टिक है। बचपन में सोचा था कि प्लास्टिक की कुर्सी बैठेंगे, किसी को तो हंसता ही था, प्लास्टिक के घर आ गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन अभी हिस्ट्री के लिए, फैक्ट के लिए हम क्या हैं, आयरन एज में हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे मुख्य आधार क्या था, स्टोन, तो हमने स्टोन कह लिया, लेकिन स्टोन के साथ साथ अब हम क्या करने लगे, मेटल का यूज करने लगे, तो दैट इज चालकोलिथिक, ये मतलब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इल्ट्रेट द कल्चर रिमेन्स ऑफ द नियोलिथिक अप टू हड़प्पा पीरियड? यस, हड़प्पा से, नियोलिथिक से हड़प्पा तक का कल्चर एक ही होगा, तो लिख लो मेहरगढ़, मेहरगढ़ इज कंटिन्यूअसली रिलेटेड विथ न्योलिथिक टू हरप्पा पीरियड। हाँ, मतलब तो सिंपल से देख के सोचो कहाँ से शुरू हुआ था अनाज, नौ नौ पाषाण काल में शुरू हुआ था, तो वहां से। हाँ, चावल की खेती के साक्ष्य, अब इस ऑप्शन में गंगा घाटी ने पूछा है ना, तो लिख डालो, लोहरा देव, यूपी में ही है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े भी तो नहीं, लेकिन लिखते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। अर्लियर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन गंगा वैली वाज लोहरा देव। लोहरा देव,
विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग, ये तो जीके के लिए भी एक फैक्ट हो गया और हिस्ट्री से भी हो गया, तो लिख डालो भीमबेटका। भारत के किस शैलाश्रम में सबसे अधिक पेंटिंग मिला है? भीमबेटका। मेरे बच्चे क्वेश्चन था कि टूल्स, हथियारों पे, जैसे मान लो अभी हम पैसे कमाए तो पहले घर अच्छा करें, फिर हम थोड़े से और अच्छा करें, हम गाड़ी अच्छी कर लेंगे, तो ये मतलब है। तो अभी हम घरों में पेंटिंग कर रहे हैं, टूल्स को टेक्निकल यूज करना शुरू कर दी। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फैक्चुअली किसका होगा? शुरुआत जब भी होगा तो प्राकृत से होगा, लिख लो। जीके के लिए हो जाएगा ये, इसको लिखना जरूर, छोड़ना मत। जैन धर्म के पास भी प्राकृत, हड़प्पा में तो लैंग्वेज थी का पता ही नहीं चला है, वो तो मौर्य का पढ़ा था उन्होंने 1837 में। बुद्ध के टाइम में पाली रही है और ये जैन वालों के टाइम में रही है, संस्कृत गुप्ता पीरियड में रही है, ब्राह्मी भी अशोक के टाइम में रही है। द थ्री ए सिस्टम स्टोन ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइन बाय अरिफा, किसने नाम दिया था? ये हम बस बता दे रहे हैं, रटन परेशान होने की जरूरत नहीं है। थॉमसन का नाम दिया गया इसमें, मतलब किस व्यक्ति ने बांटा स्टोन ब्रॉन्ज और आयरन एज, जो आप मैंने कहा कि अब अपन लोग आयरन एज में चल रहे हैं। हालांकि है ही अच्छा क्वेश्चन, लिख ही लो। हु डिवाइड्स स्टोन एज ब्रॉन्ज एंड एंड आयरन एज, दैट वाज थॉमसन। Which of the following statement is correct regarding the prehistoric art? Paleolithic and Mesolithic people practiced painting. Paleolithic के तो करते नहीं थे। Prehistoric and art appears at several places, but Bhimbetka is the most of the 500 rock shelters. Many birds, animal and human being are painted. The paintings द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन सा इसमें सही हो सकता है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। रिलीजियस बिलीफ का नहीं है, ठीक है तुम्हारा। चल तो ये एक तरीके से आपके पास नॉलेज वाला फैक्ट भी आ गया। चल लगभग 500 थे उसके पास, वो हमने पूछ ही लेता। पालियोलिथिक और मेजोलिथिक में पेंटिंग कर रहे हैं, हालांकि पालियोलिथिक तो गलत है, लेकिन चलो दिए दिए। फर्स्ट मेटल, ये तो कर ही दोगे, तो कई बार आपके एग्जाम में आए। सबसे कौन से धातु का यूज किया गया? कॉपर, तांबा, ठीक। माइक्रोलिथिक, ये तो गलत मत करना यार, मेजोलिथिक को माइक्रोलिथिक कहते हैं। चले मेगालिथिक, यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था, दैट वाज साउथ इंडिया। हमने नहीं बोला था कौन सा एस बोला था हमने, माउंटेस, तो माउंटेस किससे रिलेटेड है? साउथ इंडिया से। और साउथ इंडिया कौन सा फेज? मेसोलिथिक वाला, मध्य पाषाण काल वाला। मेगालिथिक, जबकि पूरे भारत में क्या चल रहा था? माइक्रो। साउथ में क्या चल रहा है? मेगा। मेगा का मतलब क्या है? वो जो दफनाने के लिए बड़े पत्थर यूज कर रहे हैं। ये नियो के उसे दे रहा है। विच पीरियड वाज एसोसिएटेड विद मेगालिथिस? नियोलिथिक, एक मिनट, हम उल्टा चले गए। ठीक है ठीक है, तुम लोग ठीक हो,
कल है मेगालिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक इज नियोलिथिक। हाँ रहेगा साउथ इंडिया वाला ही। अब मर गया तो कहीं से कुछ तो छिपा के रखोगे। When was the first metal tool came into being in used? Yes, धातु का उपयोग जो पहली बार किया गया है वो किस चीज के लिए किया गया है? खेती के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो खेती के लिए हम क्या कर रहे हैं? पत्थरों को इसको जंगलों को साफ करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पत्थर से कैसे खेती होगी, लेकिन पहले उन्होंने शुरू किया है इसी के लिए। तो इसमें है पॉट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग। हाँ ये, हाँ पहिया तो अचानक हुआ है। हुआ क्या कि पेड़ काटा है और पेड़ ऊपर से नीचे से गिरा है और गिरते गिरते राउंड शेप में आया है और नदी के थ्रू उसका यूज हुआ है, तो उनको लगा कि ये तो हल्का भी और हमारे लिए यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से उन लोगों ने शुरुआत की। जितनी सभ्यताएं विकसित हुई कहाँ से? रिवर से, और रिवर में वो पेड़ों की मदद से। तो इस तरीके से पहिए खोजे, जानबूझ के नहीं हुआ, अचानक हुआ था। और आज पूरा लाइफ हमारा उसी पे डिपेंड है, मशीन से लेकर के हमारा व्हीकल तक सारा। पहला घरेलू पशु कौन था? तो कौन था? कुत्ता। द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया वॉज फाउंड इन। चांदी का पहली बार उपयोग कहाँ मिलेगा? ये करो, हड़प्पा को सब कुछ का नॉलेज है, सिर्फ आयरन का नॉलेज नहीं है, बाकी सब के। और पहली बार इन्होंने खोज भी किया इसका, सिल्वर का, चांदी का पहला साक्ष्य हड़प्पा सिविलाइजेशन। वही खानाबदोश का मतलब यही है, नियोलिथिक ही है, एक जगह इकट्ठा ग्रुप में रहना। नहीं, एक साथ आ गए, अब अकेले तो नहीं घूमेंगे रे, ये मतलब है। पहली बार हमें खानाबदोशी का सिस्टम शुरू किया, हमने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, दैट इज नियोलिथिक। उससे पहले तो हमारा अस्तित्व था ही नहीं। अब देखो, पहले हम भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम उत्पादित कर रहे हैं, तो कब उत्पादित कर रहे हैं? नियोलिथिक में खेती की शुरुआत। चले, अर्लीस्ट इन्वेंशन इन पालियोलिथिक इज। चले, क्या आप कपड़े का यूज करेंगे? नहीं, मेटल अभी समझ ही नहीं पा रहे, और ये बहुत लास्ट में आएगा, तो बचा यही। हालांकि ये होना चाहिए था मिजो में, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री? अब अभी हमने पढ़ा था प्रीहिस्ट्री के बारे में, किसने डिवीजन किया था? तो हमने पढ़ा था रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। तो डिस्कवर्ड कह लीजिए, फादर कह लीजिए। हाँ तभी हो गई, वैसे तो हो गई नहीं। आप 100 घंटे पढ़ लीजिए और उस पर क्वेश्चन न कीजिए, आउटपुट नहीं आएगा। 5 घंटे पढ़िए और क्वेश्चन कीजिए, आउटपुट आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पालियोलिथिक पीपल? अब देखे चलो, तो बिना कुछ सोचे ही क्या करना है? हंटिंग। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द पालियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस? बताओ, अभी पढ़ा था आपने बेलन घाटी। हाँ दोबारा आ गया, 3 बार आया, इसका मतलब है कि ये बहुत बार एग्जाम में है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट किए हैं। गुफकराल,
अभी हमने पढ़ा था बुरजोम और गुफकराल दोनों जम्मू कश्मीर में। यहाँ गुफकराल में क्या मिला है, इनर हाउस मिला है, यानी भूमि के अंदर रहने का, उसी से इसका नाम भी गुफकराल है। बुरजोम, बुरजोम में एक साथ मानव और पशु को दफनाने का, या इनर हाउस या भूमि के नीचे, भूगर्त बोलते हैं हिंदी में, हाँ तहखाना बोल लो ऐसे। बेसमेंट बोल रहा हूँ, जैसे अभी अपन लोग बैठे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वेयर द पालियोलिथिक बोलन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट पालियोलिथिक साइट वॉज डिस्कवर्ड, यस पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है पूरा पाषाण में, तो इन्होंने कहा है कर्नाटक में। एग्जेक्ट कौन सा था ये हमें देखना होगा नोट्स में। साक्ष्य मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्लेस, एविडेंस, फर्स्ट पालियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कर्नाटक। अभी देखेंगे एक बार टेबल में, कोई ना कोई वहां नाम जरूर होगा सिटी का। एक कुछ देखना है और पहले वो देखते हैं कर्नाटक वाला नाम क्या है, यदि होगा तो। देख रहे हो ट्रांसलेशन में हेलीकॉप्टर कर दिए चॉपर्स का। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो मैं बस देखना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोनल वैली प्लेटू ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, शिवालिक इन द नॉर्थ इंडिया, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ इन नर्मदा वैली, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड आटिपकटम नियर चेन्नई। तो ये हुआ ना चेन्नई तमिलनाडु में, नियर चेन्नई बोल रहा है। बेलन मिर्जापुर यूपी, बोलवाना राजस्थान, भीमबेटका बीच वाले में आ रहा है। ठीक है ठीक, अच्छा पोट्री कोई नहीं इनके पास, दफन आने का कोई साक्ष्य नहीं है, यहाँ पे बुरझूम में आएगा दफनाने का। चलो कोई बात नहीं, उसको हम कर्नाटक के रखें, मैं बेसिकली वो नाम जानना चाहता था, तो नाम तो मिला नहीं। पंजाब बोलन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका और एमपी। ये हो गया था क्वेश्चन। हाँ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन चालकोलिथिक हैज बीन फाउंड, ताम्रपाषाण काल में खाद्यान्न का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से मिला है, तो लिख लोगे नवादा टोली। अब ये तो यार देखना पड़ेगा कहाँ पे, नवादा टोली लिखते रहना, ये छोड़ना कोई सा भी नहीं, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये दिक्कत क्या है कि ये हम लोग पढ़ते नहीं, तो हमें लगता है कि ये टफ है। यस, नियोलिथिक को क्यों नियोलिथिक कहा जा रहा है, ऐसा क्या हुआ, तो कृषि क्रांति हुई। चल
देखो, जब तक चीजों का कलेक्शन नहीं हुआ तब तक आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। तो नियोलिथिक में आगे पहली बार हमने इस चीज को महसूस किया और हमने कलेक्शन से लेकर के प्रोड्यूसर के रूप में आगे, हम संग्रहकर्ता से निर्माता के रूप में, उसके बाद हम विकास करते चले गए। अभी पढ़ा था आपने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, तो ये क्या होंगे, किस फील्ड से होंगे जो इन्होंने खोज किया था? नहीं, जियोलॉजिस्ट है, भूवैज्ञानिक है। आप हो सकता है आप जो लॉजिक कह रहे हो वो होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिख लेंगे विलियम ब्रूस फ्रूट वाज रिलेटेड। हम जियोलॉजिस्ट हैं, ये भूवैज्ञानिक है। जोरवे कल्चर इज अ चालकोलिथिक कल्चर, इज वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? ये आप टफ क्वेश्चन है, तो लिख लेंगे महाराष्ट्र, जुलवे कल्चर महाराष्ट्र से। बच्चे ने बताया कि किबन हाली साइट इन कर्नाटका इज पालियोलिथिक। रजनी है अपने, रजनी मैडम वो जो कर्नाटक वाला हम प्लेस ढूंढ रहे थे। पॉजिटिव लोग जब, जैसे तुम लोग जब पढ़ लोगे सफल हो जाएगा तो तुम लोग को और मजा आने लगेगा। हाँ अभी तो तब शौकिया करने लगते हैं, और मुझे तो मैं देखता हूँ लगभग सारे ही क्लास में बैठती हूँ, और मुझे लगता है कहीं का गलत ना हो इसे ये बताने के लिए मैं ठीक। तो नियोलिथिक बेसिकली सच्चाई ये है कि मैं 10 साल से तो पॉलिटी को ही पढ़ाता था, तो वो तो हमें पूरा रटा रहता है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है लेकिन हम पढ़ाए नहीं कभी, तो हमें इसको तैयार करना होता, तो टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर फंस जाते हैं। मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी था तो कभी नहीं पढ़ा है। हाँ, नहीं भूल गए, कोशिश किए थे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो टाइम, जैसे एक टॉपिक पढ़ा है मैंने, मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे अच्छा रिवर, कभी देखना उसको मतलब मजा आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब 5 वीडियो है, मैं 5-6 घंटे मेहनत करके बनाता था उसको, सिर्फ रिवर रिवर, लेकिन उसमें लाइफ में दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ट्रिक, इतने जितने यूट्यूब पे वीडियो सबको इकट्ठा करें, 5 वीडियो है, बहुत बेहतरीन। कुछ बचे हैं ज्योग्राफी में, कुछ टॉपिक उस पर काम करके उसको भी डालूंगा। नियोलिथिक साइट्स कुचाई और गोलबाई आर लोकेटेड, अभी ये उड़ीसा है लेकिन छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन के लिए। कुचाई और गोलबाई किस राज्य में है? उड़ीसा से, नियोलिथिक। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स येल्डेड द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द नियोलिथिक टू हड़प्पा? अभी आया था शायद ये, तो कौन सा था? मेहरगढ़ था, चलो नौपाषाण काल से हड़प्पा पीरियड तक। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, इन एंशियंट इंडिया साइट वेयर द प्री स्टोरी केव्स आर फाउंड प्रिजर्व इन द रॉक शेल्टर, देयर आर आर्ट्स बिलोंग्स टू? कर दो 1 2 3 तीनों लिख लो, ये भी प्लेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये, हाँ लिख लेना इसको भी, भीमबेटका इज ऑल्सो रिलेटेड विद पालियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड चालकोलिथिक। क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर पेंटेड रॉक शेल्टर बिलोंग्स टू द पालियोलिथिक एंड मेजोलिथिक? तो अभी कौन सा होगा? भीमबेटका। लिखते चलना। हाँ अभी ये तो अभी पढ़े थे हम, इकट्ठा करने से प्रोड्यूसर तक नियोलिथिक, नौपाषाण काल। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज रिप्रेजेंट जौरे कल्चर?
अभी हमने पढ़ा था, बताओ जॉर्वे कल्चर से संबंधित कौन सा है? नियोलिथिक महाराष्ट्र, जॉर्वे कल्चर नियोलिथिक महाराष्ट्र। तो हमने सीखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एरा आमरिक लिख लो, ये बेसिकली जगह जगह के आधार पर कल्चर का निर्माण होता है। तो आमरी कल्चर कहां से? तो सिंध और बलूचिस्तान। जी उसकी टेंशन नहीं, मतलब आप सीजीएल में हम जो करंट कराते हैं उससे जनरली बाहर नहीं जाता है। अभी कल परसों आज आपको शायद मिल जाएगा 200 का एक क्वेश्चन नवंबर का, आपको मजा आएगा। आपने क्या, आपका जो भी खाली टाइम हो, मैथ इंग्लिश मैथ इंग्लिश मैथ इंग्लिश, नहीं पढ़ने मन करे तो मेरे साथ आके बैठ के चलो सर कुछ पढ़ा दो, कुछ रिवाइज करवा दो। तो ये सिंध एंड बलूचिस्तान, सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया है? कॉपर। जुड़वे कहां पे था? महाराष्ट्र। माइक्रोलिथिक मेजोलिथिक सूक्ष्म पाषाण काल मध्य पाषाण काल। ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज व्हाट डिड फार्मिंग सेटलमेंट्स नीड इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट इन सिटीज? नौ पाषाण काल के दौरान शहरों को विकसित होने के लिए कृषि बस्तियों की आवश्यकता क्या थी? मतलब कब शहर का निर्माण होगा? नॉर्मल लॉजिक लगाओ कर जाओगे। जितनी सभ्यताएं विकसित हुई कहां से हुई? रिवर से ही तो है। चलो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री पीपल डेवलप्ड एबिलिटी ऑफ, पूरा पाषाण काल में लोगों ने क्या शुरू कर दिया था? अब देखो ये ऑप्शन के हिसाब से खेलना पड़ेगा आपको इसमें। है ना, अभी खेती का तो सोच भी नहीं सकते, व्यापार का तो सोच ही नहीं सकते। हैविंग द डिपेंडेंट सोर्स ऑफ वाटर इन वेल सम फार्मिंग सेटलमेंट, तो अभी हमने सीखा था। चले जल का उपयोग क्या कर रहे हैं? खेती के लिए या अपने आप को विकास करने के लिए? अब फिर वही क्वेश्चन, डिड फार्मिंग अर्ली पीरियड लाइफ दे स्टॉप ईटिंग मीट दे सेटल इन वन प्लेस? देखो न्यूलिथिक में लोगों ने क्या किया, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे? खेती शुरू कर दी। प्री मींस क्या होता है? अब इससे आसान क्या है? तो नॉर्मल है, आंसर ही कह रहा है कि मैं सही हूं, ये हटा नहीं पाया। पास्ट पीरियड टाइम द पास्ट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड, ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था यार। पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर राइटिंग प्री हिस्ट्री। हाँ चलो ये बकवास का टॉपिक था, एक पिंड छूट गया। अब हम थोड़ा सा हड़प्पा को एक बार रिवाइज करते हैं और तुरंत उस पर एमसीक्यू करेंगे। चलो अच्छी बात है, आपका डेडिकेशन है। हाँ मेरे भाई वो जोड़ समझेगा नहीं, जोड़ क्या होता है समझ रहे हो? जोड़ तालाब को कहते हैं। है?
सब सीखना है मेरे बच्चे। अब लास्ट टू लास्ट ईयर बिहार के बच्चे हरियाणवी गाने गाते थे कल्चर प्रोग्राम में, अब सोच जाओ। अब देखो इसके बाद क्या आया, ब्रॉन्ज एज है ना स्टोन एज के बाद। तो यदि ये पूछा जाए कि हड़प्पा पीरियड कौन सा पीरियड है, तो ब्रॉन्ज एज पीरियड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हड़प्पा काल कौन सा काल है, और इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल टाइम है इसका हड़प्पा पीरियड का 2500 टू 1700 BC, और सब मैक्सिमम किसके, सिंधु नदी के आसपास, इसीलिए सिंधो सभ्यता भी कहते थे। हाँ आएगा, अभी लास्ट में आएगा। शुरुआत में गलती से क्या हुआ कि हड़प्पा की खोज हो गई तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे खोज बढ़ता चला गया तो सिंधु नदी के आसपास, तो इंडस सिविलाइजेशन कहते चले गए। तो ये इसका एग्जैक्ट विस्तार है कहाँ से कहाँ तक। जॉन मार्शल ने इसको इंडस सिविलाइजेशन वर्ड दिया है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस व्यक्ति ने सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग किया, जॉन मार्शल ने। ये वो एरिया है जहां पर इसका विस्तार है, कौन कौन से स्टेट है वो देख लो, क्या शेप बन रहा है वो देखेंगे अभी हम। तो कहाँ पर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र। हाँ आएगा आएगा, अगला स्लाइड वही आएगा, नॉर्थ कौन सा, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा। अब थोड़ा सा देखोगे तो वैसे भी कर लोगे। ईस्ट दिख रहा है आलमगीरपुर, दैमाबाद, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मांडा, अश्रुत का गेंडोर, नहीं, बलूचिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में। चाहो तो बना लो, ये क्वेश्चन आता है को नॉर्दर्न है इंडिया में, लोथल। अफगानिस्तान कह लो, बलूचिस्तान लास्ट है वैसे, अभी है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हम तो वही मानेंगे जो रहेगा। सर थोड़ा कमेंट पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू, हम भूल ही गए थे, कर दिए। चल तो ये हमने वही लैंग्वेज में लिख दिया कौन से कहां तक। अब यदि लेंथ पूछ लिया जाए किस में ज्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट में या नॉर्थ टू साउथ में, तो वेस्ट टू ईस्ट ज्यादा है 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ 1100 किलोमीटर। एरिया पूछ ले तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। ये है एग्जैक्ट मैप, अब ये आता है खूब कि कौन सा किस रिवर पर है, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, इंडस, ये दोनों तो आता ही आता, आज ही आएगा दो तीन बार। चानूदड़ो इंडस, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, बनावली, घग्गर, धौलावीरा, लूनी। दूसरा आता है कई बार किस राज्य में है, तो हड़प्पा तो आपको पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं, चानूदड़ो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात, ये आपको याद ही है, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा हिसार में है, और ये आपका धौलावीरा गुजरात में। ये आता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, हाँ बना लेना, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की, मैकई ने चानूदड़ो की, लोथल ने एसआर राव, कालीबंगा एम अलमंद घोष, और बनावली आरएस बिष्ट, और बनावली धौलावीरा जेपी जोशी। तो आपको दो चीज तो यहाँ पे कम से कम इन दो का ईयर और नाम और बाकी का रिवर ये जरूर होना चाहिए, कर लेंगे, अभी MCQ आएगा ये। अब देखो फैक्चुअल बातें, सबसे बड़ा साइट पूरे मोहनजोदाड़ो, यही सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मिलेगी अभी, कौन सा, अन्नागार या स्नानागार, हाँ लार्जेस्ट, ग्रेट बात है, ग्रीनरी, अभी अभी आएगा जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक,
इंडिया का पूछ लिया जाए सबसे बड़ा राखी गढ़ी, हरियाणा में, हरियाणा में लोथल इज द एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। चले लोथल में मिले। हाँ आप देखो इसकी क्या विशेषता है, ये बार बार आता है, हड़प्पा सभ्यता किस लिए फेमस है? तो अपने रोड के लिए, नगर नियोजन के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, वाटर क्या बोला था हमने, हाँ ग्रिड सिस्टम। तो ये है इनकी सबसे बड़ी विशेषता, पकी ईंटों का उपयोग किया गया है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफाइड सिटाडेल है हर नगर। हाँ 90 डिग्री पर रोड काटते हैं ऐसे, अभी आएगा आगे। तो ये कॉमन फीचर है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है जो सेक्टर में नहीं देखते हो पॉकेट, चार चार पांच पांच ऐसे ऐसे, दैट इज। अच्छा इनकी खास बात क्या थी कि जो मेन सड़क थी, मेन दरवाजा था इनका, वो पिछले गेट से खुलता था ताकि भीड़ ना हो, एक्सीडेंट ना हो और मेंटेन होता रहे। आज तो मारपीट हो जाता है कि रोड यहीं खुलेगा और ऊपर हम बनाएंगे और आगे बढ़ा के। अर्बन सिविलाइजेशन, विदेशी व्यापार हो रहा है, प्लान सिटी है, पढ़े लिखे हैं, व्यापार यों के नेतृत्व में नियंत्रण में है, शासन काल के पूरी तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन ये माना गया है कि इक्वालिटी का आकार सभी घर एक जैसे हैं, तो लगभग व्यापारियों के कंट्रोल में रहा होगा। बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक देश से दूसरे देश में भी हो रहा है। चले अभी तो सिस्टम ही गलत है, जब करप्शन है तो गड़बड़ होगी, तो बहुत मजबूत होना पड़ता है प्रशासन बैठे आदमी को, ईमानदार होना पड़ता। अभी कई सारे साक्ष्य आएंगे, कोई बीमारी कहता है, कोई कहता है आर्यंस का हमला हो गया, कोई कहता है बाढ़ से मर गए, तो अलग अलग। इनका जो मेथड है वो है पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक। या तो भाव चित्रात्मक या नॉट एबल टू रीड ऐसे, हाँ ऐसे चल रहे हैं, फिर यहां से, फिर यहां से। अब अर्बन में क्या क्या है, तो प्लान सिटी है आपने पढ़ लिया, सभी बिल्डिंग एक जैसी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड है, पकी ईंटों का उपयोग किया गया है, इंडस्ट्री बड़े लेवल पे, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, और भी कुछ फैक्ट। ये शहरी थे, कपास की खेती सबसे पहले उन्होंने की है, ये अच्छा क्वेश्चन है आता है। ये आयरन की जानकारी इनको नहीं थी, आएगा कपास का भी आएगा, और एग्जैक्ट साइट शायद नहीं है कपास का, चावल का तो है, पूरा हड़प्पा ही एक तरीके से मानते हैं क्योंकि सब जगह मिला है, तभी ये माना गया कि इनकी शुरुआत हुई। आयरन लाइन की जानकारी नहीं है इनको, हॉर्स की जानकारी नहीं है, हाँ तो एक ही जगह मिला है, टेराकोटा मॉडल मिला है, ओरिजिनल नहीं, सुत कोदड़ा में मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में मिला है, चावल घोड़े का साक्ष्य। वनली साइट्स वेयर द रिमेन्स हॉर्स है ना, यही एकमात्र, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि घोड़े की उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि बाकी जो। अच्छा आश्चर्य की बात क्या है, इनका पूजनीय पशु बैल है, सांड है, लेकिन गाय की जानकारी नहीं है। इसका मतलब समझो कि हमें उसका गाय का बॉडी का साक्ष्य नहीं मिला तो हमने कहा जी नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा कैसे हिस्ट्री को, जो क्या बोला था हमने, आर्कियोलॉजी के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, तो जिसका नहीं मिला तो नहीं हुआ। हाँ आप जो करो लॉजिकल है कि सांड कैसे पता हुआ बिना गाय के, तो ही नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे कि जो मिलेगा वही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये मतलब। तो ये दोनों क्वेश्चन आता है, घोड़े का तो खूब आता है, अब कहां से क्या क्या मिला है वो देखना है। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, बड़ा कौन, तो हमने कहा है ग्रेनरी सबसे बड़ा है, अन्नागार हाईएस्ट क्यों बोले, लार्जेस्ट बोलेगा मेरे भाई, हाईएस्ट का कहां से तू पढ़ लिया अपने मन से दिमाग लगा रहा है,
उसका बोन्स नहीं मिला ना, हड्डी नहीं मिली, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं है जानकारी। ये आता है क्वेश्चन, हड़प्पा में क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? तो ग्रेनरी, बृहद अन्नागार, स्नानागार, पशुपतु, महादेव का शील, ये भी आता है खूब, यही है। हाँ, मदर गॉडिस का पूजा करते हैं, मातृदेवी की। और डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली? वो भी यहीं से मिली। ये डांसिंग गर्ल का फोटो होगा, ये देखो, ये अन्नागार है, ये स्नानागार है, ग्रेट ग्रीनरी देख लो कितने मजबूत बनाए गए होंगे। और ये नहाने धोने के लिए ये जगह था, तो ये ग्रीनरी है, ये बात है। ये पुजारी किंग, ये भी आता है, ये भी वहीं से। डांसिंग गर्ल, ये भी वहीं से। नहीं नहीं, ये ब्रॉन्ज की है। हाँ, ये ब्रॉन्ज की। कब मांग रहा है? अच्छा अच्छा तो ऐसे तो बहुत कुछ है उनकी। अच्छा, प्रोटोटाइप है इसका। ओके, अब हड़प्पा से क्या क्या मिला वो देख लो। एक जगह पर क्वार्टर्स मिले हैं, ग्रीनरीज और वर्कर्स के रहने का जगह, छोटे छोटे घर मिल गए, तो ये हो गया कि एम्प्लॉय के लिए होंगे। पेंटेड पोएट्री मिली है, चित्रात्मक बर्तन मिले हैं, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिल गया, मदर गॉडिस का मिला है, पासा मिला है, क्ले प्लॉट ग्रिड प्लानिंग सिस्टम यानी प्रॉपर प्लानिंग के तहत, वनली प्लेस हैविंग एविडेंस ऑफ कैफिन ब्रुएल मतलब लकड़ी वाले ताबूत का साक्ष्य मिल गया इनका, पहले एकमात्र जगह। और ये तो हो ही गया। चानू दड़ो कहां पे था? इंडस सिंध नदी, मैकई ने खोजा था। और यहां पे क्या मिला है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सिटी विदाउट सिटाडेल। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझो, हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसा था, एक अपर टाउन था, तो अपर टाउन हर जगह सिटाडेल है, और एक है लोअर टाउन, तो लोअर टाउन सिटाडेल नहीं है, ऐसे समझो। आज जैसे हमारा कहीं किसी पॉस कॉलोनी में आप जाते हैं तो देखें आसपास जे जे कॉलोनी रहती है, क्यों? मजदूर चाहिए, साफ सफाई वाला चाहिए, तो आसपास में बसा दिया था कि ठीक है तुम्हें आ रहे ना, हमारा काम करके चले जाना। तो जितने अपर टाउन है वो सारे सिटाडेल है, लेकिन यहां पर दोनों का दोनों सिटाडेल नहीं है। ये एक अभी जगह आएगा जहां पे तीन मिलेगा, दो की जगह अभी अभी देखेंगे। तो हमने क्या कहा, चानू दड़ो में बिना किलाकृत के है, इंकपॉट मिला है, लिपस्टिक मिला है, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट मिला है, ब्रोंज ऑफ टॉय ऑफ कार्ट। लोथल देख लो कितना प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, चारों तरफ से प्रॉपर सिस्टम है। लोथल हमारा एकमात्र सी पोर्ट था उस समय, भारत के व्यापार का केंद्र था। लोथल से हमें एक चीज और मिला है, लोथल से हमें क्या मिला है? तो लोथल से हमें जो वो पंचतंत्र की कहानी नहीं सुनते हैं, अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी वाली, उसका साक्ष्य मिला है, पिक्चर फोटो एक बना है। तो ये भी कई बार आता है कि पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य कहाँ से मिला, यहाँ से। चावल का साक्ष्य मिला है, मन के बनाने का मतलब इंडस्ट्रियल ज्वेलरी बनाने का साक्ष्य कह लीजिए, फायर अल्टर मिल गया, और टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स, एक साथ दो लोगों को दफनाने का साक्ष्य जो आप पूछ रहे थे उस समय, और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। तो शिप तो यहीं से मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये डबल वाला और चावल के साक्ष्य वाला ये जो जरूर याद रखना। कालीबंगा है ना, राजस्थान, खेते हुए जुते हुए खेत का साक्षी आता है। हाँ, और डेकोरेटेड डिजाइनदार ईंटें मिली हैं, व्हील टू ऑफ कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बनावली, ये ग्रिड सिस्टम का अभाव है यहाँ पर, है ना, गरीब कह सकते हो, ये सबसे गरीब। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं इनके पास, ये आता है।
हाँ मतलब ऐसे याद करके रखना है कि हम गए थे गुरुकुल में तो वहां पर कई बार पानी नहीं रहता था, तो हरियाणा में ही था। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, हाँ ये कई जगह, इसलिए परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। हाँ हम तो चाह तो अगले इस साल बस, और नेक्स्ट ईयर तो 6 महीने का ही लेंगे, 6 महीने उसका हम एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जो भाग जाते हैं ना, मतलब ईगो हर्ट होता है ये। मैं लौंडे को, अब जैसे कल उसके फादर आए, मैं समझा रहा था, मेरे बाद में गुस्सा, मैं क्यों समझा रहा हूँ, जा तू। हाँ वो तो मुझे संदेह है कि वो नहीं टिकेगा, नहीं देखते हैं। हाँ ईश्वर करे टिक जाए, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा आप कहेंगे तब तो टिकेगा नहीं। कहने नहीं, बस ये एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। मैं सर मत करिए, कह रहे आप हमें नहीं जाने, हम मोदी जी के कोर कमेटी में। तो मैं कहता सर तब तो आपको देना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, हमने भी उनकी बात रख दी, हमारे पास था ही नहीं, तो हमने टेम्परेरी में कहीं रखा है। मैं कहा 8 दिन बाद तो जहाँ रखूंगा रहेगा सर, शुरू शुरू की दिक्कत है। धौला बीरा तो हाँ ये हम कह रहे थे, ओनली वन साइड विच इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र शहर जहां पे तीन साक्षी मिले हैं तीन जगहों के, धौलावीरा स्टेडियम भी। सुरकोतड़ा है ना, यही जो हड घोड़े का साक्ष्य, टेराकोटा है, ओवल ग्रेव और पोर्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है घड़े में दफनाने का। घोड़े नहीं, आदमी को डर नहीं, चाहते हैं अस्थि विसर्जित करने, तो विसर्जित करने की वजह इन्होंने दफन कर दिया। टाउन प्लानिंग हमने पढ़ ही लिया, इसमें बहुत कुछ नहीं सीखना है। वो जरूर याद रखना कहाँ पे वाटर सिस्टम ठीक नहीं था, हरियाणा वाला जो था, कहाँ पे ट्रिपल है और कहाँ हर घर में कुएं हैं, मतलब बड़ा है ये। टाउन प्लानिंग हमने पढ़ ही लिया। हाँ पत्थर की इमारतें नहीं इनके पास, ईंट का है लेकिन पत्थर का नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। घरों में पानी का प्रॉपर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, मेन क्रॉप्स गेहूं और जौ, जीके के लिए फैक्ट नोट करके लिख लो, इनको राइस की जानकारी नहीं है। एक आध जगह से मिला जरूर लोथल जैसे जगहों से, लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं है। देख लो इसमें अदर क्रॉप्स में कहीं लिखा है राइस, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है आपने लिखना है स्पेशली दे हैव नो नॉलेज अबाउट राइस। एक आध जगह मिल गया लेकिन ओवरऑल है नहीं, ये मतलब है। एक्स्ट्रा लगा दिया तो सरसों होगा, और मस्टर्ड तो है ही। चल कपास का सबसे पहले खोज इन्होंने किया। अब देखो किस किस चीज की, देखो बैल की जानकारी है लेकिन गाय की नहीं है, है ना, शिप है, गोट है, हम एंड हम प्लेस बुल है, बुफैलो है, डॉग है, कैट है, पिग है, डियर सब है लगभग, गाय वाला नहीं है, गाय नहीं है, शेर नहीं है, घोड़ा नहीं है, भैंस है। हाँ अब भैंसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल 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 बफैलो है। अच्छा कोई बात नहीं, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये मान के चले कहा इनके आभूषण आभूषण रहे हैं, तो इसका मतलब रिच रहे हैं। ये सब लिखा ही है, मछली पकड़ना, शिकार करना, कुश्ती लड़ना, ये एक अच्छा एंटरटेनमेंट का माध्यम था। मिली हुई है, टेलीग्राम पे डला हुआ है पूरा, बहुत है, 500, कल में देख रहा 500 के आसपास फाइल है टेलीग्राम पे। आपने तो बात के लिए कुछ नहीं रखना है, जो मैं पढ़ाऊं लिखते चलो, मुझे बोलो कि सर रुक जाओ मैं रुक जाऊंगा, बात बाद ही हो जाता है, ध्यान रखना है। कुछ नहीं आप बोलो सर दोबारा बोलो, आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग तो पढ़ के बैठे हैं। व्यापार
इनसाइड ट्रेडिंग भी है और आउटसाइड ट्रेडिंग भी है ना। मेसोपोटामिया के साथ इस समय मेनली व्यापार कर रहे हैं। लिख दिए व्यापार। और ये बार्टर सिस्टम है इनके पास, कोई करेंसी सिस्टम नहीं है। इकोनॉमी इनकी ठीक है और इकोनॉमी में वही बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। गेहूं, बार्ले, पीज, ज्वार जैसी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। सभी पशुओं की जानकारी इनके पास, रिच हैं ये। स्क्रिप्ट की जानकारी इनके बारे में हमें नहीं मिल पाया है कुछ भी, है ना। लेकिन मेथड वही है, इधर से चल रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर चल रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। ओल्डेस्ट है लेकिन पढ़ नहीं पाए ना, तो इसलिए हमने कहा था यूज नहीं है। मैंने कहा स्क्रिप्ट तो है लेकिन यूज नहीं है, इसीलिए हमने इसको कहा रखा था प्रीहिस्टोरिक में, सॉरी प्रोटो हिस्ट्री में। रिलीजन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पशुपति शिव की पूजा है, मातृ देवी की पूजा है। और सबसे मजे वाली बात है कि मंदिर का साक्ष्य नहीं है। मंदिर का साक्ष्य पहली बार पूरे इतिहास में मिलेगा गुप्ता पीरियड में, उससे पहले ईश्वर का साक्ष्य मिलेगा लेकिन मंदिर नहीं मिलेगा। तो जीके टाइप का ऐसे ध्यान रखना। स्वास्तिक है और बल्कि कई सारे उस समय कल्चर आज तक हमारे पास है हड़प्पा वाले। रिलीजन ये सब हमने कर ही लिया था, किसका किसका फोटो है क्या है, याद ही रहेगा आपको, घबराना नहीं है। तो अभी एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे कौन से नहीं। वर्शिप फायर अल्टर्स मिला था लोथल से, है ना। तो पूजा पाठ कर्म कांड पीन का भरोसा है, यहाँ पे भी पीपल जैसे पूजा पाठ हो रहा है, ताबीज जैसी चीजों पर भूत भूतोत पे भी भरोसा है इनको। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि ये जनरली ट्रेडर्स के द्वारा रूल्स आए थे, क्लास ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा व्यापारियों का शासन था। ये हमने देख ही लिया कि आंशिक भी है, ताबूत में भी है ना, पूर्ण रूप से भी है। सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बार जो सती प्रथा मिलेगा 510 के एरण अभिलेख में, गुप्ता पीरियड में, भानु गुप्ता वाला में मिलेगा। हालांकि वैदिक काल में भी आंशिक सती है, पार्शियल। आंशिक सती का मतलब क्या है कि पति मर गया है, पत्नी कह रही मैं तो मरूंगी लेकिन इंतजार करने नहीं, आ जाओ मत मरो, दैट इज पार्शियल। बाद में वही रिजिड होने लगे, पत्नी जा रही है, लोग कह रहे नहीं कोई बात नहीं मर जाओ, नहीं नहीं पुलिस बुला लो मुझे बुला लो, तो फिर बाद में जबरदस्ती मारने लगे बांध के। हाँ बाद में जबरदस्ती करने लगे कि नहीं मरना ही होगा तुमको ये। और सोचो कितनी डरावनी स्थिति है, मतलब कम एज में शादी हो जा रही है और 4-5-7 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तब पूरे जीवन तुम या तो सती रहो, या सती हो जाओ या तो विधवा रहो। बहुत ज्यादा ड्रामे रहे। डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा कल्चर, अब कैसे कैसे समाप्त हुआ है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग, ये आपको याद करना होगा मेनली, किसने क्या कहा ये आपको याद करना है, यहाँ से आपको एग्जाम में आता है। ये हमने एक जगह रख दिया है, अभी आएगा इस पर। चाइल्ड और पिगेट क्या कहते हैं विदेशी आक्रमण के द्वारा। और एक और है जो हमें एसटी लैम्ब्रिक क्या कहते हैं, अनस्टेबल रिवर सिस्टम। कैनेडी के द्वारा कहा जाता है नेचुरल क्लाइमेटीज। ओरल स्टेन और एन घोष के द्वारा क्लाइमेट चेंज, ये खूब आता है आर्यों के आक्रमण के द्वारा, विलर के द्वारा, ये लिख लेना आर्य के आक्रमण के द्वारा विलर। सुदैन अग्रवाल, ड्राइनेस ऑफ रिवर, वाटर फैसविस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, और रॉबर्ट रैकीज के द्वारा अर्थक्विक,
ये बेसिकली साक्ष्य मिलेगा, कहीं पे क्या लेयर ऐसे रहे तो लगा कि बाढ़ आया था, कहीं एक ही जगह 5-6 लोग एक साथ दफन है तो ऐसा लगा युद्ध की वजह से आ गए, कई लोग एक ही जगह पूरे परिवार के तरीके से मरे तो लगा बिल्डिंग गिर गई होगी, इस तरीके से हमने अनुमान लगाए। अब यहाँ पे कुछ पढ़े हैं तो उस पर टेस्ट लेके देख लेते हैं। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? मेहरगढ़। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी? मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा का? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट? ठीक, 1921। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बात? ग्रेट ग्रीनरी, मोहनजोदाड़ो। एट विच इंडस साइट द रिमेन्स हॉर्सबोन? अभी पढ़ा था हमने, सुरकुतरा। चलिए, नहीं, ये पाकिस्तान में है, पढ़ो तो। कौन सा, सुतका कैंडोरियस? कोतड़ा और सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर है। नहीं, सुतका गेंडोर है। हाँ, ये तो सुतका गेंडोर है और ये सुतकतड़ा है, दोनों अलग अलग है। वो वेस्टर्न प्लेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ मोहनजोदाड़ो? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। यार डी कहां से, सौरव हो जाएगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट ग्रीनरी, मोहनजोदाड़ो। नहीं, अभी तो मेन क्वेश्चन तो आएगा अभी, ये तो ऐसे डाल दिया था लास्ट में खुश करने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड? लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर? कौन सा? ठीक, अब देखो एलिमिनेट कर दो, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बच गया ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डाइटी ऑफ द हड़प्पा? अच्छा, नॉट पूछ रहा है, ठीक है, ठीक, विष्णु। चलो, ये आंसर की था, खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो शुरू होगा। हाँ बताएं। ठीक, हाँ नहीं है, ये दिक्कत है।
कहाँ था? अच्छा, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसे में फिर मेरा नहीं है। एक दिन और ऐसे दिक्कत हुआ था तो उस दिन तो ओपन वेट। अच्छा, पक्का? ये कोई नया स्टाइल लग गया है इसमें भी। अच्छा, रुक जाने कब हो? पता नहीं किसी को आता है तुम्हें से। छुट्टी उठी नहीं होगा? आप 2:30 से 5 डेली आए तो फायदा है। हम टॉपिक आपका टाइम नहीं खराब करें, जल्दी जल्दी करा देंगे। बस एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। वो कहाँ चले गए मेरे भाई? एक दिन और ऐसा हुआ था, उस दिन पता नहीं कैसे कर लिए थे। अच्छा, पूरा कट ही दे। कई लोगों ने जय माता दी कर दिया ना। तो कल से वीक में, कल से वो भी टेस्ट भी शुरू कर दें, 100 क्वेश्चन वाला है। अभी रुक जाएं, जीएस का, मैथ का, मैथ का अभी रहने दो, मैथ का भी टारगेट वाइज चलने दो, लास्ट में रख। हाँ, जीएस का इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइम कम लगेगा और आधे घंटे में 100 क्वेश्चन का हो जाया करेगा। सोल्यूशन नहीं बनेगा, 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाया तो बन चुका, आंसर ठीक बनेगा। हाँ, ऐसे सोचोगे ना तो कई लोग आज तक लूसेंट इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि किसी ने उन्हें कह दिया कि गलत है। ऐसे कई बच्चों से मैं मिलता हूँ तो सर हमारे सर ने कहा था कि लूसेंट गलत है इसलिए हम पढ़े नहीं। अरे पहले तो गलत ही तो पढ़ लो, मतलब ये माइंड में आ जाएगा ना तो फिर वो चीज इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ नहीं खुल रहा है, अब ये मत कह रहा ऑफ करके के चलाओ। अच्छा, राइट क्लिक करो,
ये बेसिक चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो हमने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी, है ना? तो चौड़ी और लंबी हुआ करती थी, पर्याप्त थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किस पर थी? तो हड़प्पा किस पर था? रावी पर। और मोहनजोदाड़ो सिंधु पर। तो दोनों का क्रम से ए और बी। इसकी स्क्रिप्ट कैसी है? अज्ञात है, अननोन है, पिक्टोग्राफिक है ना, भावचित्रात्मक। विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली विदाउट फोर्टिफिकेशन? बताओ, अभी बताया था, है ना? नहीं याद हो तो एक बार लिख लेना। दुर्गीकृत नहीं था, चानूदड़ो। चानूदड़ो वॉज द ओनली वन सिटी विदाउट फोर्टिफिकेशन। इट वॉज सिचुएटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉस्मेटिक वेयर फाउंड। ये अच्छा पॉइंट है। ये इंडस्ट्रियल प्लेस है इस समय का, चानूदड़ो। देर आज अ इंडस्ट्रियल सिटी लिखा ही है। एंड इम्प्रेसिव वर्कशॉप रिकोगनाइज द बियर्ड बीड मेकिंग, है ना, वॉज फाउंड एट द चानूदड़ो, इंक्लूडेड अ फ्रोनेंस फर्नेस। कॉस्मेटिक वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्रियल सिटी वाला। सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अभी हमने सीखा था, ग्रेनरी, है ना। देखो अब इसका एग्जैक्ट साइज भी, मान लो कोई तुमको कहे नहीं जी ये था, तो इसका एग्जैक्ट साइज तुम्हारे पास ये है और ये सिर्फ इतना ही है, तो बहुत अंतर है। ये बेसिकली कंफ्यूजन शुरू हुआ है लुसेंट से, वही सबने उसी को करते, अभी भी गलत मिलेगा उसमें। हाँ, तो आपने ये मतलब कोई साइज भी देख लिया आपने, मोहनजोदाड़ो। चलो, हुज स्टैटू वाज एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? डांसिंग गर्ल। वहां के बच्चे कहते होंगे कि कहाँ है वो डांसिंग गर्ल, तो इसलिए उनको लगा लेके आते हैं। मातृ गोडिस किससे रिलेटेड है? इंडस कहाँ है? मातृ देवी, एक मातृ देवी का मतलब क्या है कि जो आज हम पूजा कर रहे हैं उसी से। चलो कह सकते हो, उस सेंस में नहीं है ये, ये प्रोडक्टिविटी को पूजा करने की बातें हैं, क्योंकि जो वो, हाँ, जो एक प्लांट निकलता हुआ दिखाया गया भ्रूण से, तो वो ये साबित करता है कि हाँ हमें प्रोडक्टिविटी को पूजना चाहिए इस तरीके। द फर्स्ट मैन पोर्ट वॉज फाउंड इन हड़प्पा। द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वीट एंड बार्ले। द लार्जेस्ट हड़प्पा सेटलमेंट इन राखीगढ़ी इन हरियाणा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट इन घग्गर हागरा बैली। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सोच समझ करना। सी हो सकता है, चारों नहीं हो सकता है, नहीं सी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हड़प्पा दिया हुआ है, येलो थल, ठीक। नहीं मान लेते मैन मेड ही, लोथल ही, लेकिन हड़प्पा नहीं है। हड़प्पा साइट्स होता तो हो जाता। एट द प्लेस कॉल्ड लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, इंडस वैली, सिंधु घाटी सब। हमने कहा था किसी का ही पूछा जाए तो एग्रीकल्चर, लेकिन नहीं पढ़े होते तो क्या करते हम,
बिजनेस करते, तो हमने बिना किस कंफ्यूजन के एग्रीकल्चर रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ टेराकोटा इन इंडस वैली, किसका साक्ष्य नहीं मिला है? गाय का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है। अभी हमने बताया था इंडस सिविलाइजेशन वर्ड वाज यूज्ड बाय जॉन मार्शल, नहीं पढ़े तो हम कि उन्होंने खोज किया था ऐसा करते। अब ये याद करना है आपको, राबी हड़प्पा, अब इसी से मिलाने का प्रयास करो, कालीबंगा। एक मिनट, आंसर बताओ फाइनली, इसमें बताना है 1 2 3 4 3, ये नहीं मैं पूछ रहा, मिला लिया आपने? नहीं मिला तो मैं मिलाऊंगा। डी ए, चलो अब मैं मिलाता हूं, तुमने मिला ली। एकाध बार क्या होता है, कई बार नहीं पता हो तब भी हो सकता है कॉमन निकाल के। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? दो है। इनमें कोई कॉमन है? चार। इनमें कोई कॉमन है? नहीं है, नहीं। इनमें कोई कॉमन है? तीन और एक। कहीं है ऑप्शन कहां पे? तो ये आंसर होगा 99.9%। क्वेश्चन नहीं भी देख रहे तब भी, लेकिन 99.9 है, 100 नहीं है। इन्हें हर जगह ट्रिक निकालने लगे, यूपीएससी में नहीं लगा, पीसीएस में लग जाएगा। पहले लगता था 95 में, किसी बच्चे ने जाकर कंप्लेन किया, फिर उसके बाद वो बंद कर दिए, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन आते थे ये। तो ये तो कई बार लगेगा ट्रिक तभी, 99 पर आपके एसएससी लेवल पे लग जाता है ऐसे क्वेश्चन आते। हाँ एसएससी में लग जाते है, एक ही दो क्वेश्चन तो आता है। अब देखो क्या ये सही भी है, ये चेक कर लेते एक बार। अब एक क्या था हमने, घग्गर, ये उल्टा है क्या? अच्छा कालीबंगा राजस्थान में, कहां पे गया? घग्गर। और ये हो ही चुका है, अब बचा कौन सा है? हो गया कॉमन, यही आ रहा आंसर। ठीक, इधर से लेके जा रहे हैं ना। अब ये देखो, ये अपने आप में आसान है, चाहोगे तो कर दो। बी तो सही है ना। अब फर्स्ट लिखते हैं, हाउस मार्केट स्टोरेज फैसिलिटी ऑफिस एंड ऑलमोस्ट एवरी बेसिक थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, यस बोथ आर राइट। देख रहे हो, हाँ मॉडल है बताया गया, देख रहे हो पानी का प्रॉपर सिस्टम है, ये अपर सोसाइटी ऑर्गेनाइज है, इधर थोड़ी बहुत अब नहीं हो पाएगा वो, चाहे तो चंडीगढ़ जैसे जीरो से शुरू किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। सेक्टर हम क्यों पसंद करते हैं लेना, इसीलिए लेना पसंद करते हैं। अब कच्ची कॉलोनी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? घर बनवा लिया, पानी का फ्लो ही नहीं है, अब डेली मारपीट हो रहा है तो फिर दिक्कत है। हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन? दयाराम सानी, 1921। मोहनजोदाड़ो का आर डी बनर्जी। अच्छा अपने इस कैंपस में देखो, इतना बड़ा कैंपस है, 35 करोड़ का है ऑन डॉक्यूमेंट, और ज्यादा का होगा अब तो, लेकिन पानी का नहीं है, हमें डेली मोटर चला के पानी नीचे भेजना पड़ता है। ठीक है, हमारा पानी कहाँ निकालेंगे? हाँ मतलब सबमर्सिबल लगवा रखा है, मतलब पानी जो आप हम में यूज हो चुका वो कहाँ जाएगा? ये करें तो डेली मोटर चलता है आपका, फिर अंदर ग्राउंड वाटर में डालते हैं तब जगह होता है। एमंग द विच रिवर हड़प्पा इज सिचुएटेड? रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, इंडस। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन बार 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 बार, किसके बारे में नहीं जानकारी थी? राइस, है ना, नहीं पता होता तो हम ये करते, ये तो होगा ही, हाँ मटर लगाते। विच एनिमल इज प्रोबेबली नॉट नोन? तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से हॉर्स,
नेम द एंशियंट पार्ट ऑफ इंडस लोथल. द कल्चर ऑफ हड़प्पा वाज बिलोंगिंग टू विन एज. ये नहीं पता हो तो लिख लेना. ब्रॉन्ज. ट्रिक लगा के देखो. फर्स्ट है पक्का? क्यों, मैं भी चेक नहीं कर रहा हूं. अब देखो इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, दो दो है तो इसमें आपको पता होना चाहिए. तो ये जो है ये तो है हड़प्पा में, अब मैं बता दे रहा हूं, और ये है लोथल में, मोहनजोदाड़ो में, दायमाबाद. अब ढूंढो तो एक बार. एक ही है ना? ठीक. ए पशुपति महादेव. अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हड़प्पा डांसिंग गर्ल. ब्रॉन्ज. कांसे की थी शायद, नहीं आप ऐसे समझो कि ब्रॉन्ज फेज है ये, तो 99% सब चीज ब्रॉन्ज का ही है ये. तो चाय क्या नहीं, कम 10 रुपए मिला के कोल्ड ड्रिंक मंगा के सारे पी लेंगे. तो ऐसे तो तुम लोग को आता तो है नहीं खाने पीने, तो हम थोड़े नहीं समझेंगे. अब देखो ये सारा कुछ करते थे, ये चारों खेल खेल रहे हैं, डाइस भी, हॉर्स राइडिंग भी, बुल फाइटिंग भी, लेकिन शांति प्रिय है तो डाइस को लेके चलेंगे. अच्छा घोड़ा, ठीक है ठीक, वो मैं वो ध्यान नहीं दिया. डाइस नहीं लिखा तो तीनों था, ध्यान दो तीनों था. हाँ वही कह रहा हूं. तो ये शांति प्रिय है तो जनरली अधिकांश लोग ये करेंगे, हर कोई नहीं कर सकता घरों में बैठ के कर ले रहे तो ऐसे में. हाँ मेजोरिटी के साथ. चलो लगाओ. देखो अब ये नहीं भी करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट और राइट के कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, लेकिन ये दोनों सही है. ये है एग्जैक्ट फोटो. अब देखो ये है पशुपति शिव, एलिफेंट है, टाइगर है, इधर राइनोज है, और ये बफेलो है, मतलब ऊपर नीचे है ये, और नीचे आप लोगों को दूर से दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा है. तो ये इधर स्टेटमेंट में दे दिया हमने. द पशुपति शिल ऑफ महादेव शोज द योगी प्रोबेबली शिवा पशुपति सराउंडेड बाई राइनोज बफेलो एलिफेंट एंड टाइगर. देर आर टू डियर अंडर द थ्रोन. पशुपति मीन्स द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. द सील मे थ्रो लाइट ऑफ द रिलीजन ऑफ द हड़प्पा एज. मोस्ट ऑफ दीज सील्स हैव नो टू द बैक थ्रो विच रन्स अ होल एंड इट बिलीव दैट दे वेर यूज टू बाई डिफरेंट गाइड ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टैंपिंग पर्पज है ना. When not in use to could be worn round the neck. छोड़ दो. तो ये है एग्जैक्टली. पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया. सोच रहे हो कि कितना आसान हो गया टीचिंग डिजिटल बोर्ड जैसे कॉन्सेप्ट के आ जाने से. बहुत घटा दिया लेकिन जो उसमें पढ़ाने का मजा है ना वो इसमें नहीं है. सब्जेक्ट का नॉलेज हो तो एमसीक्यू के लिए सही है. हाँ विच इंडस सिटी वाज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट. सबसे बढ़िया. चलो नहीं पता हो तो लिख लेंगे. बेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज धौलावीरा. हर घर में कुएं तक की सुविधा है. स्टेडियम भी. स्टेडियम धौलावीरा में था या लोथल में था?
वाला भी ओके गुजरात। चलो फिर दिमाग लगाओ, कॉमन निकल रहा हो तो करके देखो। नहीं कर पा रहे हो? चलो चार तीन नहीं है, दो नहीं बना, ए बन गया तो बन रहा है कहीं, दो एक तीन चार। अब ये मिला हो सही है क्या? अब नहीं मिला पा रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो गिनरी। नहीं 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 ये ठीक है ठीक है, अधूरा मैं देख रहा हूँ। डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, जल्दी करो। एका बी, अच्छा कोई बात नहीं, ये उल्टा कर दिया ना ये एक दो। हाँ मैं अब आंसर बताओ जल्दी। फोर है, चले अब फोर हम मिलाते हैं। ए का कॉपर कहाँ पर? दायमाबाद में। और बी का थ्री बोला आपने मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। सी का वन बोला है आपने, हड़प्पा, हाँ ठीक है, ग्रेनरी था मैंने पढ़ा था। और डी का फोर कालीबंगा फोर मस, जूते हुए खेत कह लो, हाँ ठीक है फोरो मार्क, हाँ जूते हुए खेत के निशान। चौथा है, चौथा किया है हमने, ठीक। मेटल जो जिनको नॉलेज नहीं थी, आयरन की जानकारी नहीं है, सिल्वर का पहली बार यूज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? ब्रॉन्ज का। दोनों तीनों पॉइंट आपको बताना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, आयरन का उपयोग नहीं किया इन्होंने। हाँ हमने क्वेश्चन के टाइम में पढ़ा था कि सबसे पहली बार सिल्वर की खोज कहाँ हुई थी। विच मेटेरियल एविडेंस द क्वालिटी ऑफ हड़प्पा पीपल वाज डिराइव्ड। अब देखो ये अपने आपके लिए एक मुश्किल है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सेकुलर हैं और यूनिटरी हैं, तो ये सेकुलर यूनिटरी नहीं है, तो थियोरेटिकल यूनिटरी, लोकतांत्रिक और एकात्मक, तो ये करेंगे डी। डी मतलब एकात्मक का मतलब क्या है कि स्टेट के साथ पावर डिवीजन नहीं, एक ही सत्ता है वही कर रही है, और डेमोक्रेटिक है क्योंकि सबके बीच समान डिवीजन है। नहीं अच्छा देखो ये सब आए हुए क्वेश्चन, ये एसएससी के हैं जो भी क्वेश्चन आपके साथ बीत रहे हैं। यदि हम कर पा रहे हैं मैक्सिमम तो हम समझिए कि ठीक पढ़ाई करके बैठे हैं, और नहीं कर पा रहे तो मतलब हमें और पढ़ना है। लेटेस्ट साइट फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन, ये अलग से लिख लो सबसे बाद में। ऑप्शन वाइज धोलाबीरा कब? 67-68 में, और 2014 में राखीगढ़ी, और इसे कुछ डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो आंसर वाइज क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है ऑप्शन में? नहीं है, तो ऑप्शन वाइज तो है धोलाबीरा, लेकिन ओवरऑल राखीगढ़ी। और ये अभी सबसे बड़ा बन गया ये साइट हमारा। तो अभी हमने पढ़ा भी था भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी ओवरऑल मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो 300 हेक्टेयर में है। ये 350, इन्हें दोनों ऑप्शन में हो तो क्या अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमें? राखीगढ़ी। ये हमने गूगल से किया है, ये ऑप्शन वाइज किया है। वेयर द स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, वही जो मूर्ति थी नाक टूटा हुआ था, कहां पे मिला था? अभी
मोहनजोदाड़ो में। ये दो तरीके से नाम आता है इस बियर्ड पीपल का, एक पुजारी राजा का नाम आता है, हाँ प्रिस्ट किंग, हाँ थी मुझ नहीं था। मुझ के लिए जगह ही नहीं दिख रहा है। द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वेयर कैरिड आउट बाय देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुज नेम वाज, किसके नेतृत्व में खोज हुआ था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब जॉन कौन से, तो देख लो दो हैं, जॉन हुबर्ट, तो ये लिख लेना अलग से क्योंकि यहाँ, अच्छा शैन गिरबर्ट है, ठीक है जॉन हुबर्ट मार्शल, हुबर्ट मार्शल के नेतृत्व में। द इंडियन हु वॉज इन्वॉल्व टू एक्सक्विशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो बोथ, राखल दास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, घग्गर पे। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा हड़प्पा खोजी तो हड़प्पा के नाम जाने जाते थे। शुरू में हड़प्पा ही मिला, बाद में जब संख्या मिलती गई तो अधिकांश जो जगह मिले वो रावी सिंधु के आसपास मिले, इसलिए। विच इज द बिगेस्ट हड़प्पन साइट? राखी गढ़ी। ये लग रहा है ये क्वेश्चन अभी गया नहीं। द सिंधी मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेट, मृतकों का टीला। हाँ? ये तो ऐतिहासिक रहा होगा, वैसे हो सकता है कि बड़े लोग दफन मिले हों, ऐसा भी मेन फैक्ट तो शायद ये, जैसे भी पूछेंगे कालीबंगा और कालीबंगा क्यों बोलते, भी आएगा क्वेश्चन, तो वहाँ काली चूड़िया मिली थी, तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से वहाँ पे सबसे ज्यादा जो दफनाए गए लोग मिले हैं जो दुर्घटना वाला, वो वहीं पर मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिले। हाँ नहीं, कुछ बनाते हैं तो रिसर्च तो करते ही हैं। ग्रेट बाथ और ग्रीनरी, मोहनजोदाड़ो, देख लो कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन। चलो बताओ, हिंदी से मत करना, इंग्लिश से करना। हाँ ये गूगल ट्रांसलेटेड है। सिंपल सा, इनका टेराकोटा मॉडल क्या है, तो डेवलप्ड है, सभी चीजों से पका हुआ भी है, तो ऑल ऑफ दीज, वो तो यूनेस्को वाले में, इसमें जो भी जीआई टैग दिया गया है उसमें तो पढ़ाऊंगा। ये है देखो, इतने टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा का जनरल मतलब मिट्टी का बर्तन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लंकशायर ऑफ इंडिया, मतलब इंडस्ट्रियल प्लेस? चानोदड़ो बताया तो था अभी आपको, यहाँ पे लिपस्टिक कॉस्मेटिक्स आइटम मिले थे। लंगसार इज द ब्रिटेन का कोई जगह है जहां पर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हाँ मैं आपको 8-8 9-9 घंटे का मैराथन करा दिया करूंगा, बैठ जाए करिए रिवीजन, जैसे भी मैंने दिल्ली पुलिस के लिए कराया था, तो उस पर्टिकुलर बिट उससे उसे 10-10 बार बार क्वेश्चन आ गए, क्यों हमने सारा ही करा दिया। नहीं अभी बीच बीच में सैटरडे को बैठे पार्टी करने बजाय अपने बैठ के यहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई भी तो जरूरी है। हाँ क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पार्टी के लिए नहीं आए थे, ये तो चलो प्रेशर है, तो अल्टीमेटली आए थे रिजल्ट के लिए, क्योंकि क्या है ना, आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, मैं सोचता हूँ कि जो आया वो खाली हाथ ना जाए, और खाली हाथ तभी नहीं जाएगा जब वो आराम से 8-10 मिनट डेडिकेशन से देगा। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डेडिकेशन कम होता जाएगा आपका एज ए स्टूडेंट, 2 घंटे महीने 4 महीने बाद कि आप घर ही चलते हैं, कर ही लेंगे घर वालों को भी। हाँ तो वो अभी नहीं, जो वो लगातार रहे तो तब तक जब तक लड़ाई खत्म ना हो, और ये गौरव ने देखा है किस तरीके से बच्चों ने लड़ाई लड़ी है, जिनको जो सिलेक्शन लेके गए,
है ना, मतलब दो दो साल, एक एक साल, बाबा ही तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, मतलब इसके साथ की बैच का लिस्ट उठा हुए तो नहीं है बच्चे, और ऐसे नहीं वो सारे इंस्पेक्टर लगे, सारे गुमनाम घूमे, तो मेरे इसे का जो है मैं वो करा लूंगा, मतलब मेरे पास मैटर बहुत है, और आए यहीं सर, हम खुद दंग हो रहे हैं, कह रहे तो मैंने डिस्कस किया था लेकिन हमने अपने बच्चों से नहीं किया, अपने बच्चों से क्यों नहीं कर पाते कि चलो ये बच्चा पढ़ रहा है। हाँ बच्चे सैटरडे नाइट में हमें तो आप हमें ऐसे दोपहर का 2:30 से 5:30 दे दीजिए, और सैटरडे वाले में 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक डिनर ऑनर करके आइए, 12, 1, 2, 3 बजे तक, मुझे दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, और इससे क्या होगा ना, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार यही तो है। अब जैसे ये अब आपको लाइफ में गलत नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं पता थी हो गई, और एग्जाम से पहले 2-3, जैसे मान लो ये रिकॉर्डेड भी हो गया तो कभी आपको मन करा है यार ये तो पढ़ा था, हाँ तुरंत तुरंत लिंक खुल जाएगा, क्योंकि क्या है जो सच्चाई है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है यार, जो 18 में सेलेक्ट हुआ 19 भी दे रहा है, 19 वाला 20 भी देगा, दूसरा वैकेंसीज कम होती जा रही है, रिजर्वेशन का भी चक्कर है, कुछ 2 नंबर वाले भी हैं, तो हमारे इससे में 20-30 नंबर ही सीट है, 20-30% ही, तो मजाक होता था ना, तो हर कोई ऑफिसर बन जाता, और लाइफ बनाने के लिए जो मतलब आने वाला फ्यूचर है वो इतनी आसानी से बढ़िया बनता तो किसी के लाइफ में संघर्ष नहीं होता, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और वो आप ही लोग के मेहनत से होगा, मेरे अकेले के मेहनत से नहीं होगा। आप जाओ अभी लाइब्रेरी में देखना, आप में से 30-20% बच्चे बैठ के कंप्यूटर लैब पे बैठे होंगे, भरा होगा, या कंप्यूटर वहीं बैठ के लैपटॉप चला के पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है, उसको लग रहा है वो पढ़ रहा है लेकिन आप उसे आउटपुट पूछ लो नहीं। तो जब तक आप 2.5 घंटे इस जज्बे से नहीं बैठे हो कुछ में आउटपुट, जैसे आते हो तो आप क्यों अगले दिन नहीं आते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं उतना आउटपुट नहीं ले पाया, लेकिन आप जब अपने से पढ़ते हो तो लगता है नहीं नहीं आउटपुट तो है ही, तो वो आप मुझे 2-2.5 घंटे दिन का दे दो जिस दिन मैं फ्री हूँ, मेरे को मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, हालांकि ऑनलाइन में नहीं बताना चाहिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं कि दिल्ली खोल लेते हैं हम, शेयरिंग में कर लेंगे हम, पैसे लगा देंगे, मैं वो दोबारा गलती नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये इस साल का एग्जाम आप लोग के साथ में रहूँ, लेकिन वो तभी होगा जब मजा है आपको भी मुझे भी, मतलब मुझे बड़ी इरिटेशन होता है कि आप, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ मत जाओ यार पढ़ो बैठ के, अरे मेरा काम थोड़ी नहीं है निकम्मे, है ना। तो ये तो हमने कर लिया कि 1 महीने वाला फीस वाला, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ 6 महीने वाला भी करूंगा, 6 महीने से पहले जाएगा कोर्ट का लागू दूंगा 15 रुपये का एफिडेविट, है ना, कर साइन, दिक्कत क्या है, आप आए हो तो पूरे जज्बे से जाओ, नौकरी लेके जाओ ताकि घर वाले जमीन बेच के भेजें तो उनको यकीन हो कि हाँ सर, हाँ, नहीं मेरी जिससे बात हुई है सबको मैंने ही कहा है, मैं एक को भी नहीं कहा कि नहीं आ जाओ, मैंने तो 90% मना भी किया, लोकल से तो और मैं कटता हूँ, इसको मैंने कोशिश किया था ना आए, ये है ना पूरा, इसको मैंने कहा नहीं नहीं किसी ले घर से पढ़ ले ये कर ले, क्यों ने अभी जितने बच्चे ने लोकल रखे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो हर 15 दिन पे घर जाते रहे, क्यों घर में कोई काम होगा तो घर वाले फोन करेंगे, और आपने जो लाइफ है मतलब यंग है तो थोड़े से बाहर की चीजें भी अट्रैक्ट करती हैं, क्या चलो आज वीकली पी पिया के आ जाएंगे इधर उधर चले जाते हैं, और वो समझ नहीं आता है तब तक ऐसे यहाँ रह के वहाँ रह के खत्म, फिर दो 4-5 महीने बाद आपका जोश खत्म है, आप ये अगर सही समय पर क्लिक हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया तो कर ही जाते हैं। खैर तो ये हमने कर लिया, कौन सा चानू दड़ो कालीबंगा का मीनिंग, ब्लैक बंगाल काली चूड़िया, चलो द फर्स्ट साइट टू एक्सिबिटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद खुदाई के जन्म, मतलब पहला, तो अब इसमें एलिमिनेट करो तुम, चलो लिखो रोपड़ ही था पंजाब, रोपड़ फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस या फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, रोपड़ पंजाब, शायद 1951 ही है या 54, दो में से एक है, हाँ एग्जैक्ट ईयर नहीं है। मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा, जहां सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा व्यापार होगा, सोच के देखो कहां पे होगा, लोथल, लिख भी लेना। कोई भी कैंपस या संस्था किससे पॉपुलर होता है, बच्चों से, स्टूडेंट अच्छे होने से, तो अपने आप चीजें मैनेज होने लगती है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, अब टेस्ट लेने के बाद अब
40% तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जैसे इस बार वापस जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी, मुश्किल से 6 या 7 है, वो भी इसलिए गए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। विच साइट प्रोवाइड द फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन? सुतकोतड़ा, ऑल से वहां था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था उस चीज को। हाँ था, यानी सोच लो इसमें से कोई एक प्लेस ही रहा होगा, लेके डालो बनावली, लिख लो नोट करके, ओवल शेप्ड सेटलमेंट बनावली हरियाणा, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा फेज भी यहाँ पे प्राप्त हुआ। ग्रिड सिस्टम मेनली तो ग्रिड सिस्टम है ना, अभी ये भारत का भी वर्तमान रूप ये है, इसे बुरा है। अभी कल देख रहा था मैं 6 गज में शायद 3 मंजिला बिल्डिंग बना दिया, कुछ नहीं होता, नहीं 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 6 गज का, यही तो जांच का मुद्दा था। बिहार से कोई, हाँ बिहार से कोई आया हुआ है मिस्त्री, 3 फ्लोर बना दिया, अब वो 3 फ्लोर का और 6 गज कितना होता, बस वही तो खाट भी पूरी नहीं आएगी मेरे भाई। हाँ सोचो खड़ी कर दी, नहीं 3 मंजिला खड़ी कर दी ये। मैं पूरा पढ़ा नहीं, मतलब हेडिंग था विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फाउंडेड इन मोहनजोदाड़ो। अब देखो ये आपके पास एक फैक्ट आ जाएगा है ना, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल पढ़ाई था, बियर्ड मैन पढ़ाई था, अब देख लो क्या क्या सील पढ़ाई था है ना, तो सारा ही था। ये जो हमने कहा था वोम से प्लांट निकलना, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हड़प्पा, डांसिंग नटराज, स्टोन लिंगम एंड यूनि फिगर्स, द रेड स्टेन और नेक मेल, ये सारा का सारा है ना। नटराजन है, ऑल ऑफ दीज वहां पे मोहनजोदाड़ो में, जैन से नहीं आया लेकिन मिलता जुलता ये। हाँ दिगंबर, आपने क्या करना है जैसे जैसे पढ़ते जाएं और निशान मारते चले जाएंगे, बस ये चैप्टर मेरा हो गया, ये चैप्टर हो गया, फिर उसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा और सारा ए टू जेड मेरे पास रेडी है, ए टू जेड मेरे पास 9000 क्वेश्चन रेडी हैं, वो आपके ऊपर है मेरे ऊपर है, हम कितना मेहनत से कितनी तेजी से करेंगे। हम चाह रहे हैं कि मतलब स्पीड ठीक है, घबराना नहीं। अब मान लो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करें तो फायदा भी नहीं, अब मैं लिखना भी जरूरी है। हाँ मैं मैडम को बोल दूंगा कि साइंस का करा देंगी, 5 सब्जेक्ट मैं करा दूंगा। हाँ ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इको और स्टैटिक, ये तो हमने पढ़ाया था ना तुरंत, जैसे भी ये तुरंत पढ़ाया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अब ये नए फैक्ट आए तो रुक रहे हैं, लास्ट में तुरंत पढ़ाया था तुरंत खत्म कर रहे थे। दूसरा टाइम हो चुका था, 11 बजे मेरी दूसरी क्लास थी, कुछ बच्चों को और जाना था, और जब आपकी तरफ से नहीं वो एनर्जी आता है तो मेरी तरफ से तो अपने आप डाउन हो जाएगा। ब्लैक बंगाल, काली बंगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेयर फाउंड द एविडेंस ऑफ डॉग है ना,
कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य लोथल उधर था बुरझोम। हो सकता है बोला तो एक बच्चा कि सर वहां पीजी में जिस थाली मैं खाता था उसी में कुत्ते को खिलाते थे। मैंने गलत बोल रहे हो लुथर अच्छा यहाँ रोपड़ दिया है गलत दिया है। नहीं नहीं लोथली लोथली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वर फाउंड देखो वो आ गया कनिफॉक्स चलाक लोमड़ी अंगूर खट्टे। हाँ कहाँ पे लोथल पंचतंत्र किसने लिखा है अगला है राखी गढ़ी हरियाणा लोथल में। चलो बताओ मन के बनाने का साक्ष्य। नहीं 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 इंडस्ट्रियल विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वर फाउंड द सीटेड मेल स्क्रिप्ट ऑफ द प्रीस्ट किंग मोहनजोदाड़ो। चलो अगला देखो ये लिख लेना बिल्डर नहीं है ना कोई बात नहीं लिस्ट में भी और मिलेगा लिस्ट यहाँ मैंने अलग से तैयार किया है। देखो ये लिख लेना ये तो तक सर्च करना जो हम ढूंढ रहे थे मैं इधर आगे कर लूं। लिख लिए ये जो सामने टेबल है गॉर्डन चाइल्ड और पिगट क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल एग्रेशन बाय आक्रमण लैम्ब्रिक अनस्टेबल रिवर सिस्टम कैनेडी नेचुरल क्लाइमिटी एलन स्टेन और एन घोष क्लाइमेट चेंज और व्हीलर आर्यन इन्वेंशन। तो और ये क्वेश्चन क्या था आर्यन का ही था एक्सटर्नल था ये विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा दोनों हैं तो दोनों हैं तो मेन क्या है एक्सटर्नल एग्रेशन तो ये कर लेना। देख रहे हो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है शशि का अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। चल हु सजेस्ट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर गिगर गगर रिवर के मार्ग परिवर्तन से। अभी एक बार पहले देख लो रिवर वाला है कहीं लैम्बर्क और सूद और अग्रवाल अब इसमें है कोई ऑप्शन में नहीं हाँ तो अभी आ तो रहा है तो करना पड़ेगा यार रोपड़ी था चलो ठीक है हाँ उसको रोपड़ कर दो वो कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का रोपड़ और पति पत्नी को दफनाने का साक्ष्य लोथल
पति पत्नी लोथल, रोपड़ पंजाब चंडीगढ़ में है तो वैसे पंजाब में ही, लेकिन अभी आएगा थोड़ी देर में क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन चंडीगढ़ रहेगा, आने ही वाला है एक दो को। ऑनलाइन वालों भी भाई वो ठीक कर लेना, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपड़। चलो देखो ये किसके बारे में, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस साइट इज डॉकयार्ड द वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पोर्ट। यस, यही पॉइंट मिस कर रहा था मैं बार बार, विश्व का पहला ज्वारी बंदरगाह। जैसे आज भी हमारा ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, कांडला, गुजरात वाला ही एकमात्र ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह समझते होंगे, जब टाइड आएगा तो वापस आ जाएगी, फिर सामान वामान उतर गया, फिर 6 घंटे 14 मिनट बाद जब 26 मिनट बाद जब आएगा तब फिर पानी के साथ वापस चला जाएगा। पढ़ाऊंगा या अभी, या जिस दिन क्वेश्चन करूंगा उस दिन दिखाऊंगा। तो ये कौन सा, लोथल, वही किस शहर के बारे में जानकारी है, डोकयार्ड, फर्स्ट आइडल पोर्ट, मैन सी पोर्ट बाय इंडल इंडस प्लेस। लोथल इज लोकेटेड राजस्थान, सॉरी राजस्थान कह रहा हूं, गुजरात में कौन सा, अहमदाबाद, बनावली हरियाणा, रोपड़, अब पंजाब तो है नहीं, तो चंडीगढ़। देखो मुझे याद था क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द एविडेंस ऑफ इंटलोप फाइंड, मिर्ग हिरण, आमरी मोहनजोदाड़ो कोटदीजी हड़प्पा, आमरी। साइंटिफिक नेम तो नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक नेम होता है हिरण का। अच्छा जगह का नाम है, वही पाकिस्तानी होगा, आमरी, आमरी कोट दीजिए एक पास ही। अच्छा 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 ओके, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वाज, एक जैसे थे, वट वॉज द मेन सिस्टम, टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम बोथ वेयर बेस्ड, विच एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स, न्योलिथिक पालियोलिथिक मेजोलिथिक चालकोलिथिक। तो मजबूरी है चालकोलिथिक, 9 है, गलत है, इन्होंने न्योलिथिक दिया है, गलत है। हाँ, विच मेटल वेयर मोस्टली यूज, कॉपर एंड ब्रोंज, और सिर्फ एक चूज करना होता तो क्या चूज करते, ब्रोंज, कांस्य युगीन सभ्यता है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व। एट विच हड़प्पा साइट ट्रेसेस द सोर्स ऑफ सुरकोतड़ा, बाय विच एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन, किस प्रमाण से माना जाता है, टाउन प्लानिंग के लिए, नहीं टाउन के लिए, ये दे रहे हैं स्क्रिप्ट, बाय विच एविडेंस, अच्छा सोर्स पूछ रहे हैं, साक्ष्य क्या है आप, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन, ओके ओके, उनसे पहले आए थे तो स्क्रिप्ट इनकी नहीं पकड़ में आई, मतलब ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो ये उनसे अलग करता है, तो स्क्रिप्ट वाले मामले में। एट विच प्लेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन अ बियर्ड मैन, मोहनजोदाड़ो, अब देखो यहीं पे तुमको और क्या मजा आ गया, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला वो आ गया, चानूदड़ो में क्या मिला वो आ गया, कालीबंगा में क्या मिला वो आ गया, तो एक तरीके से तुमको फैक्ट दे दिया गया। हर घरों में कुआं, कालीबंगा, ये लिख लेना, वॉल्स इन एवरी हाउस, बोन्स ऑफ कैमल, सिक्का है मेरे भाई, कहां पे, कासे का
हाँ चारों दड़ों में, ओके चारों दड़ों में, इकाज और ब्रोंज, नहीं इका ही है फिर, वही घोड़े वाले जो मतलब टेराकोटा समझ लो। इका यूपी वाले समझते होंगे, इका नहीं, इका घोड़ा गाड़ी। चलो कोई बात नहीं। विच सॉइल वॉज यूज टू मेक ब्रिक्स इन, अब देखो ये फालतू क्वेश्चन है, आज भी यही करते हैं, जलोड़ का ही करते हैं, एलिवियल का। फ्रॉम विच प्लेस द इंडस पीपल यूज टू इम्पोर्ट, नीलम, एमेथिस्ट, नीलम इज द पत्थर, हाँ ए इज द महाराष्ट्र। अब देखो यहां से कहां से क्या लिख लो एक बार, गोल्ड कोलार कर्नाटक, अफगानिस्तान पर्सिया, सिल्वर अफगानिस्तान पर्सिया, कॉपर खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान अरबिया, टीन अफगानिस्तान बिहार, लेपिस लजुली, ये क्या होता है? हाँ? अच्छा हो तो बताया तो था अभी आपको, सब कुछ था, लोहा नहीं था। हाँ नीलम ही हुआ, नीलम ही पत्थर होता ही है। इसको आप कह लो मतलब रतन, या खेती वर्ड लिखा है क्या? नीलम की कैसे खेती करेगा, वो नील होता है, इंडिको वो अलग है, वो नील होता है। अच्छा पील्स वाले तो दूसरे हैं, नहीं, वो तो ये तो बहुत महंगा है, वो तो नॉर्मल है, मोती। तो कौन, तो अच्छा वाला मोती, ओरिजिनल वाला, हीरे 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 मोती। अच्छा कह रहे हैं कि मोती जो, हाँ लिख दिए गोल्ड, ये तो मूवीज में भी देखे थे आपने, केएफसी में, केजीएफ, बहुत बढ़िया है ना। नहीं मैंने तो सारे खरीद लिए, हम लोगों ने जो भी देखना हो इस पे चला सकते हैं, सारे चैनल खरीद लिए, सस्ते बहुत है, पता नहीं कैसे उन लोगों का बिजनेस चल रहा है। साल भर का 250 300 1000 मिल जा रहा, और क्या चाहिए यार। पैसा पैसे को खरीद लेता है मेरे भाई। इन विच ईयर एंड बाय होम हड़प्पा सिटी, दयाराम सानी इन 1921, हड़प्पा खोज दयाराम सानी ने 1921 में। अच्छा अनुदड़ो पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा बताओ फिर। मजुमदार, एम जी मजुमदार, 1931, लिखना हो तो लिख लेंगे। देर हैज बिन अब्सेंस ऑफ सील इन, कहां पर नहीं मिला है? वही पशुपति सी वाला सील, उस तरीके से बोला तो था, व्यापार के लिए जनरली सील का यूज कर लेते। अब जो इसका नाम नहीं आया होगा, मेरठ वाला सर कितना है? अरे जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक उतना ही है। वो खत्म हो गया तो हमने, तो मैं तो सोचा था कि कई टॉपिक हो जाए। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दें, या पूरे एक टॉपिक को पूरा जितने हैं सब करने दें, या तो ऐसा करें सेम सेम टाइप के हटा दें। तो ऐसे कर देते तो इसे क्या होगा, लेकिन मेरी जो अपनी इच्छा थी कि जितने आए हैं सब करा दें, बस सेम टाइप के क्वेश्चन हटा दें, ताकि हाँ वो तो मिक्स, तो टेस्ट लूंगा ना प्रॉपर, उसकी तो टेस्ट अपने पास बहुत तैयार है, टेस्ट बहुत तैयार है अपने पास। एक बार इसको रिवाइज कर लेने दो, ऐसे बहुत सारी चीजें अब आपके दिमाग में वो बैठ गई, अब दिक्कत नहीं आएगी, और ग्रुप में हो जाता तो हो ही जाता है,
चलिए कल फिर मिलेंगे 2:30 बजे इसके आगे, तब तक के लिए थैंक यू। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद। खूब मेहनत करिए।